भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। Oh,
जाने वाला या कृष्ण भक्त हरा की संध्या प्रेम बनाने वाला बिगड़े को बनाने वाला हनुमान यही कैलाश यही हनुमान यही कैलाश यही हनुमान यही कैलाश यही हनुमान यही कैलाश यही यह भवनाथ बोलिए भागवत भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे सभी भक्तगण आरती लेके अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि 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 ट्रेबल डाल ट्रेबल जरा सा। हरि 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 श्री राधे हरि 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 बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी एकाग्रचित विराजमान होकर परम मंगलमय पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करें। उससे पहले एकाग्रचित होकर आज की कथा के मंगलाचरण में हम प्रवेश करते हैं। श्रीमद् महागणाधिपतये नमः।
श्री सरस्वती नमः, श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। वंशी विभूषित करान नवनीत दाभात पीतांबरादर बिंब फला धरुष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखार विंद नेत्रात कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अध्येव में विशुत मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते गजानन भूत गणादि सेवितं कपित जंबु फल चारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रं येन त्वया भारतेन पूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप। यम प्रवजन्त मनुपेतम पेत कृत्यम द्वीपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेतितन्मेतयातर वो भिने दुस्तम सर्वभूतं हृदय मुनिमान तुष्णी या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करारा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचत शंकर प्रवर्ति विदेव सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती ही निशेष जानया पा। योन्तः प्रविश्य मम वाच्मी मां प्रशुष्टां संजीव यखिलः शक्तिधरश्व धाम्ना अन्या सहस्र चरण श्रवण त्वगादिनम् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। लोकाभिराम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। मनोजव मार्द तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातातुजं वानरयुद्ध मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। हरि राधा मेरी स्वामिनी मेरा दे जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को
श्री राधा सर्वेश्वरी अद्भुत कृपा अपार करुणा में श्री राधिका नित मेरी ओर निहार नित मेरी ओर निहार बोली वृंदावन में हरि लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की जय परीक्षित जी महाराज की जय श्यावर रामचंद्र भगवान की जय पवन भक्त हनुमान जी महाराज की जय पितृश्वर भगवान की जय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु पीत पीतांबर धारण करने वाले प्रभु श्री राधा माधव सरकार की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम उस राधारानी को प्रणाम करते कि हे लाडली सरकार हे वृषभान जो की दुलारी जो ब्रज की गोपांगनाओं से सेवित है जिन्हें ब्रज की गोपियां अपनी अधिष्ठात्री देवी मानती हो हे राधारानी सरकार आप भी आए और साथ में श्री वृंदावन बिहारी जी को भी लेकर आ जाएं और हम सबको ज्ञान वैराग्य से भक्ति की प्राप्ति कराएं प्रभु श्री राम लखन माता जानकी सहित श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते कि आप भी पधारे पधार कर इस ज्ञान सत्र की रक्षा करें हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें यहाँ के ग्राम देवता स्थान देवता वासु देवता और भी जितने देवी देवता विराजमान हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते या हमारा आयोजक परिवार ना जानता हो वे सभी देवी देवता पधारे अपना स्थान ग्रहण कर इस शुभ आयोजन को सफल बनाए हम सब की रक्षा करें महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते कि हे महामुनि हम में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम इस कथा का वखान कर सके इस कथा को हम कह सके आप स्वयं पधारें और पधार कर अपने व्यासपीठ पर विराजमान हो जाएं और जिस प्रकार से राजा परीक्षित को सप्तदिवस का श्राप लगा और आपने भागवत की कथा का रसास्वादन करा करके परीक्षित महाराज को मोक्ष की प्राप्ति करवाई परम धाम की प्राप्ति करवाई इसी प्रकार है महामुनि आप स्वयं पधारें पधार कर हमें इस भागवत का रसास्वादन कराकर हमें भी इस भव सागर से पार लगा दीजिए प्यारे ये प्रार्थना आप किसी जड़ों में करते हैं सभी अपने अपने पितृ देवताओं का ध्यान कर ले कि हे पितृ देवता सभी पधारे इस कथा का श्रवण पान कर मोक्ष को प्राप्त करें और भी आशीर्वाद दाता के रूप में विराजमान जितने ब्राह्मण देवता यहाँ विराजे हैं उनको प्रणाम करते हुए भक्ति स्वरूप मात्र शक्ति भक्त वृंद नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सबको सादर जय श्री कृष्ण करते हैं आइए आज की कथा में प्रवेश करें आज एकादशी है और माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी है यह योग हर किसी को प्राप्त नहीं होता यह योग बड़े बड़े तपस्वी महाराज जो होते हैं ना संत महात्मा इस योग के लिए तरसते हैं आज हम सबको भगवान ने स्वतः ही प्राप्त करा दिया है जो नहीं सोचा वो भगवान ने दिया है और श्री कृष्ण मालवीय मित्र मंडल के द्वारा आयोजित यह श्रीमद् भागवत की कथा जो हम सबको कहने का और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वास्तविक ही भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें पूरी टीम का पूरी मित्र मंडली का आइए चलते हैं दो मिनट के लिए राधा नाम का आश्रय लेकर के आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे क्योंकि कृष्ण को अगर प्राप्त करना है कृष्ण की कृपा प्राप्त करना तो बिना राधा रानी के संभव नहीं है आइए चलते दो मिनट के लिए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय जय श्री राम।
आज परमपिता परमेश्वर की कृपा से एकादशी के पावन अवसर पर भागवत की कथा श्रवण पाठ करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। बंधुओं, जब मानव जीवन के और पूर्व जन्म के हजारों पुण्यों का उदय होता है, जब जाकर के हमें भागवत की कथा और सत्संग की प्राप्ति होती है, बिना परमात्मा की कृपा के सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। मानस में लिखा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। एक तो संतों का मिलना, किसी ब्राह्मण की शरणागति प्राप्त हो जाना, और भगवान की कथा हरि कथा या सत्संग की प्राप्ति हो जाना, ये तो मेरे गोविंद की जब कृपा होती है प्यारे, तो ही उसे प्राप्त होता, नहीं तो कोई नहीं कर सकता। ये भगवान की कृपा है कि आज हम सब लोग यहां विराजे हुए हैं। बताओ, अगर कथा नहीं होती तो हम संसार में उलझे पड़े रहते, कहीं ना कहीं भटकते फिरते। पर संसार का भटकना कब तक? संसार में अगर भटकोगे तो एक दिन वापस इसी दर पर आना पड़ेगा प्यारे। तो ध्यान दीजिए, अगर भटकना ही है तो मेरे परमात्मा की कथाओं के चक्कर काटते रहो, मेरे परमात्मा के धाम के चक्कर काटते रहो। अगर भगवान की कथा के चक्कर जो काटता है, वो 84 के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ये भगवान की कथा। जो भगवान के धक्के खाए उसे दुनिया के धक्कों से मुक्त हो जाता है, परमात्मा मुक्त करा देते हैं उसको और अपने धाम की प्राप्ति करा देते हैं। तो जब भगवान इतना सहज मिलता है, इतना सुलभ मिलता है, तो हम भगवान से दूर क्यों हैं? और भगवान जैसा दयालु, भगवान जैसा कृपालु कहां मिलेगा भैया, जो हर स्थिति में हमें स्वीकार करने को तैयार है? हे कोई भगवान के जितना दयालु कृपालु कोई हो सकता है? हम काम वासना के अंधकार में लिपटे हुए लोग दुनिया की माया में फंसे हुए लोग, मलमूत्र का जो थैला रूपी शरीर है प्यारे, इसमें दुनिया भर की बुराइयां होने के बाद भी मेरा परमात्मा जैसे हैं वैसे ही हमें स्वीकार कर लेते हैं। बोले तू आ तो सही, भगवान कहते तू दो पग मेरी ओर बढ़, मैं 10 कदम तेरी ओर बढ़ूंगा। पर बढ़ तो सही, अब भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो बढ़ो प्यारे। ये भगवान की कृपा स्वीकार क्यों नहीं करते तुम लोग? क्योंकि हम संसारिक लोग हैं, ये दुनिया की धन रूपी लक्ष्मी के पीछे दुनिया की चकाचौंध में उलझे हुए लोग जो हमें ना, हम लोगों को दुनिया की माया के सामने भगवान की कृपा फीकी लगने लग जाती है, फिर भगवान की कृपा अच्छी नहीं लगती, दौड़ करके दुनिया में फंसते हैं। तो दुनिया से मुक्त हम क्यों नहीं होते? क्या कारण है? अगर दुनिया से ही मुक्त होना है प्यारे, तो सत्संग का सहारा लो, और सत्संग का सहारा अगर ले लिया तो मेरे गोविंद की कृपा तुम पर निश्चित होगी, और वो मिल गया तो समझ लो बहुत सागर से तर जाओगे। यही संसार का नियम, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, व्यर्था श्वास मत खोय, क्या भरोसा इस श्वास का, फिर आवन होई कि ना होई कोई गारंटी नहीं प्यारे। इसलिए हर श्वास में भगवान का भजन होना चाहिए। ये सभी माताएं मांगलिया से पधारी हैं, उनका भी जोरदार ताले बजाकर स्वागत। राहु खेड़ी से भी पधारे, केलोत से भी पधारे, सब लोग
और आसपास से जो जहां से पधारे वो अपने सबके लिए ताली एक बार जरूर हो जाए स्वागत के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान से कौन जोड़ता है? भगवान से जोड़ने वाला सदगुरु होता है और सदगुरु की शरण होना चाहिए। आज परीक्षित महाराज सब कुछ त्याग करके और गंगा के पावन तट पर विराजे हैं और एक ही इच्छा मन में है, प्रभु अपनी शरणागति आप हमें प्राप्त करा दीजिए, बस अपनी कृपा हमको प्राप्त करा दीजिए। कि वंदन है ओ गुरुदेव चरण में वंदन है, वंदन है ओ गुरुदेव चरण में वंदन है, वंदन है ओ गुरुदेव चरण में वंदन है, वंदन है ओ गुरुदेव चरण में वंदन है। स्वीकारो गुरुदेव चरण में वंदन
सर को मिट्टी में मिला रहे हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे इसका महत्व। कई लोग सोचते हैं खूब संसार करने के लिए मानवतम प्राप्त कराया भगवान। कई लोग सोचते हैं कि तो खूब रुपया पैसा कमाने के लिए मिला है। कुछ लोग सोचते हैं खूब अच्छा अच्छा खाओ, ये बार बार मिलती नहीं है। खूब खाओ, खूब खूब दुनिया के काम करते रहो। मैं तो इतना कहना चाहता हूं प्यारे कि कंचन जैसी काया लेकर के भी जगत के धक्के खा रहे हो, ये हमारे साथ हम खुद गलत कर रहे हैं प्यारे। हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं। धक्का खाना तो धनी का खाओ, धक्के अगर खाना है तो जगत के नहीं जगन्नाथ का धक्का खाओ। और जगन्नाथ का धक्का अगर मिला तो मेरे गोविंद की कृपा होगी प्यारे, वो तुम्हें स्वीकार कर लेगा, बस उसकी कृपा प्राप्त हो जाएगा। पर क्या करें कि जब जब भी प्रभु तुमने पुकारी,
जब जब भी प्रभु तुमने पुकारी, आ न सकी प्रभु द्वार तुम्हारे। किसने रोका? बंधन है वो गुरुदेव, जगत का बंधन है। अब जगत के बंधन से कौन छुड़ाए, कौन काटे? वही सदगुरु के शरण में चले जाओ प्यारे, और कह दो कि परमात्मा अब तुम ही काटो और तेरे धाम की प्राप्ति करा दे। ये भाव जब जीव का परमात्मा के प्रति बन जाता है तो भगवान उसे अपना लेते हैं। परीक्षित को भी बंधन था, आप हम सबको तो बहुत कम बंधन है। लाख दो लाख दस लाख पचास लाख की प्रॉपर्टी एक दो करोड़ पांच करोड़ की होगी, है ना? दस बीस करोड़ अरब दो अरब की होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। पर परीक्षित महाराज के पास कितना था, क्या था? जो चक्रवर्ती सम्राट सप्तद्वीप वसुंधरा पर जिसका राज्य फैला हो, भला उस कितना बड़ा उसको बंधन हो गया, पल भर भी नहीं लगाया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सदगुरु की शरण जब तक प्राप्त ना हो, जब तक जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया रूपी पर्दा है उससे हम कभी दूर नहीं हो सकते। वो माया अपना प्रभाव दिखाती है। कहते प्यारे परीक्षित महाराज के पास क्या नहीं था? सप्तद्वीप वसुंधरा पर जिसका राज्य फैला हो, वो अभी जानते थे कि सात दिन में मृत्यु होने वाली है और मरना निश्चित है। न तो रुपया साथ देगा, न धन दौलत साथ देगा, न ये दुनियादारी साथ देगी। एक दिन सब छोड़ करके ही जाना है। तो परीक्षित महाराज को यह अवगत हो गया कि मेरी मृत्यु सात दिन में और संत की कृपा हुई। ध्यान रखना, कभी कभी संत क्रोध भी करे ना तो उनके क्रोध में भी कृपा छुपी हुई रहती है। शंगी ऋषि ने क्रोध कर लिया था, श्राप दे दिया, पर हुआ क्या? आज भगवान की कृपा हो गई और गंगा के तट पर लाकर बिठा दिया। प्यारे, ये संत की महिमा है, इसलिए सदैव संत का सहारा लेते रहो, जीवन में होना ही चाहिए। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश किया राजा परीक्षित ने। और चतुर्थ दिवस में प्रवेश किया, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, एक काम करो राजन, मैं देख रहा हूं कि तीन दिन से तुम जो फल खाते थे वो भी तुमने बंद कर दिया है। थोड़ा बहुत कुछ खा लेना चाहिए। कुछ खाओ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये कथा जो है ना, ये भगवान का स्मरण कराती, भगवान से जोड़ती है। और भगवान अगर मिल जाए तो जीवन में सब कुछ मिल जाए। और भगवान कैसे मिले? आज एकादशी है ना, किन किन ने करी एकादशी? जरा खड़े करो जो एकादशी वाले, कितने लोग? इतने को एकादशी है ना, बाकी क्या करते हो? ठीक है भैया, जो एकादशी करते हैं उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। एकादशी करना चाहिए। जिस प्रकार तीर्थों का राजा प्रयाग है, उसी प्रकार व्रतों का राजा एकादशी है। और एकादशी क्या करती है पता है? क्यों करना चाहिए एकादशी?
जाने अनजाने के किए गए पापों से मुक्ति दिलाने का सिर्फ काम करती है तो वह एकादशी का व्रत है, बाकी कोई नहीं छुड़ा सकता है प्यारे। ये पाप कम करती है एकादशी, इसे धीरे धीरे मुक्त हो जाता है व्यक्ति। पर कैसे पाप जो अनजाने में हो जाए उन पापों से मुक्त कराती एकादशी। नहीं तो आप सोचोगे आज तो गुरुजी ने बोल दिया खूब पाप करो ना एकादशी करो, 14 दिन पाप करो, एक दिन कर ली, महीने में 2 बार तो आती है ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो जाने अनजाने के पाप से मुक्त कराने का काम एकादशी करती है प्यारे, इसलिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। और अगर बात कहें तो एकादशी के दिन अन्न खाना महापाप बताया गया है। पाप लगता है एकादशी के दिन भोजन करने से। आप देखना अगर साइंटिफिक रीजन अगर देखे तो वंडर ऑफ साइंस के हिसाब से अगर चले विज्ञान के चमत्कार, तो जो चक्की पीसता ना आटा पीसने की चक्की होती है वो भी महीने दो महीने में रेस्ट लेता है, वो अपने दोनों पुड़ खोल कर रख देता है, थोड़ा सा इसको अच्छा धार कर ले ना। इसी प्रकार अगर विज्ञान के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो महीने में 2 बार कम से कम भूखा रहना चाहिए। अगर ये भूखे रहोगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और एकादशी भी होगी। पर हम सब उल्टा करते हैं, जिस दिन एकादशी होती है उन दिन खूब खाते हैं, खूब खाते हैं, खूब खाते हैं और इतना खाते हैं कि बहुएं परेशान हो जाए आज एकादशी है सासू जी को। कहीं घर में झगड़ा ना हो जाए भैया, फटाफट से तगारी भर के फला तैयार। व्रत का मतलब क्या है मैं आपसे कहना चाहता हूं। व्रत का मतलब होता है संकल्पित हो जाना। जिस प्रकार हम अन्न का उपवास करते हैं इसी प्रकार हमारे विचारों का भी उपवास होना चाहिए। हम दिन भर जो सोचते रहते हैं ना, किसी के बारे में गलत भाव है, किसी की मजाक है, किसी की निंदा है, किसी के बारे में कुछ बोलते, ये सब त्याग कर देना चाहिए। उस दिन हाथ में जल लेकर संकल्प करो कि हे परमात्मा मैं तेरे नाम के लिए कर रहा हूं, अब तू ही इसे पार लगा देना, बस तू पार कर लेना। एकादशी करना चाहिए। अच्छा बताओ अब कौन कौन करेगा एकादशी? ये आज से सुन करके कहीं नहीं होगी गुरुजी, आप तो आपस करो, नहीं होगी ना। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, तो कौन कौन करेगा? हिम्मत काटी तो करो, पक्का करोगे ना? ठीक है, इधर करते हो कृष्ण जी, करोगे? एकादशी का व्रत चालू कर देना। एकादशी का व्रत आवश्यक है, जीवन में करना चाहिए। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, एक समय की बात है कि आपने स्वयंभू मनु जी महाराज की 3 कन्याओं का वंश वर्णन सुना। कितनी कन्याएं हुई थी? 3 कन्या। क्या क्या नाम था? कल बताया था हमने। क्या क्या नाम था? जय हो। एक का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनके विवाह किन किन से हुआ? आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति मैया का विवाह करदम जी महाराज के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। तो महाराज आपने स्वयं मनु जी महाराज की कन्याओं का वंश वर्णन तो सुनाया, अब आप कृपा करके उनके 2 पुत्र हैं उनके भी कथा हमें श्रवण कराओ। हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो
तो कहा गया है कि स्वयंभू मनु जी महाराज के पुत्र बड़े जो पुत्रों का नाम हुआ प्रियव्रत। प्रियव्रत किसको कहते हैं? जिसका अच्छा संकल्प हो, जो अच्छे काम के लिए व्रत धारण करे वो प्रियव्रत। पर भागवत में कथा पहले छोटे पुत्र की आई है जिनका नाम हुआ उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी। कितनी? दो पत्नियां। अब ध्यान देना कथा पर है। उत्तानपाद कौन है? इस कथा को अपने ऊपर लेना। यहां जितने बैठे हम सब लोग उत्तानपाद हैं। हम सबकी दो पत्नियां हैं। अब दो पत्नी किसको मान ले? हमारी मति जो है, हमारी बुद्धि जो है, हम अपनी बुद्धि को अपनी पत्नी स्वीकार कर लें, ये क्या करती है? ये कभी कभी कथा में आने से रोकती है और एक मति कहती है कथा में चलना ही पड़ेगा। एक मति अच्छा काम कराती, एक मति बुरा काम कराती है। राजा को यही हुआ है, कहते दो पत्नी है, एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। सबको सुरुचि अधिक प्रिय है। राजा को भी सुरुचि प्रिय थी, सुनीति से ज्यादा प्रेम नहीं था बेचारी। ऐसे घर का काम क्या करती थी? है क्या किसी को सुनीति पसंद? हम सब अपनी रुचि के हिसाब से चलना चाहते हैं, हमें जो अच्छा लगे वो करें। ये कथा तो यहाँ नहीं, अगर कोई ऐसी जगह होती ना बिल्कुल आनंद आ जाता, जहाँ गद्दे लगे होते, जहाँ बिल्कुल सारी व्यवस्था होती रहे। जो हमारे मन को अच्छा लगे हम वो प्राप्त करना चाहते हैं। पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जीवन में अगर साथ ही देना है तो अच्छी नीति का साथ दो। जो अच्छा काम करे उसके साथ हो जाना चाहिए और जो गलत मार्ग पर ले जाए उसका त्याग कर देना चाहिए और समय रहते कर देना चाहिए। अगर समय रहते नहीं किया तो एक दिन मजबूरी से छोड़ना पड़ेगा। एक समय की बात है, सुनीति के बेटा हुए ध्रुव जी और सुरुचि के बेटा हुए उत्तम। राजा उत्तानपाद उत्तम को गोद में लेकर बैठे थे। ध्रुव जी खेल रहे थे। ध्रुव जी के मन में विचार आया कि मुझे भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहिए। दौड़ करके अपने पिता की गोद में बैठ गए। तो पिता के मन में तो कोई छल नहीं था, पिता के मन में तो कोई दोष नहीं था। पर माता जी जो थे ना उनके मन में था। सुरुचि आई, दौड़ करके ध्रुव का हाथ पकड़ा और पिता की गोद से नीचे उतार दिया। ध्रुव जी महाराज रोने लगे। अब ध्रुव जी की उम्र कितनी, ध्यान देना, ध्रुव जी महाराज की उम्र 5 वर्ष की है। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। कई लोगों के विचार आज के समय पर ऐसे हैं, बोले अभी कथा सुनने की हमारी उम्र थोड़ी है, हम क्यों सुने कथा? ये कथा बता सुनना, व्रत उपवास करना, तीर्थ करना, ये तो बुड्ढे टुड्ढे लोगों का काम है। हम क्या करें? बोले अभी अपन तो आनंद लो, बुढ़ापे में देखेंगे। तो बुढ़ापा तुमने देखा है कभी? और ध्यान देना, जो भी अच्छे काम करना है वो शरीर में ताकत रहे, खून रहे, जब तक कर लो, बुढ़ापे की कोई गारंटी नहीं है। बुढ़ापे में राम बोलने जाओगे तो आम निकलेगा। क्योंकि जितने भी दरवाजे खिड़की लगा रखे ना सब खुल जाएंगे। आप सोचो के बुढ़ापे में मैं 3 घंटे एक आसन लगा करके कथा सुन लूं, बैठ नहीं पाओगे, शरीर साथ नहीं देगा, घुटने दर्द करने लगेंगे। आप सोचो के बुढ़ापे में अभी तो आनंद ले, अभी शरीर में ताकत है, अभी तो संसार में भटको, सोचो बाद में तीर्थ करेंगे, ये बात भी गलत है। कभी वृंदावन चले जाओगे बुढ़ापे में तो शरीर साथ नहीं देंगे, तो गोवर्धन की परिक्रमा भी नहीं होगी। होगी क्या?
मैं ये कहना चाहता हूँ व्यासपीठ के माध्यम से प्यारे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाते हैं। बोले परीक्षित, समय सत्ता और शरीर ने कभी किसी का साथ नहीं दिया, समय रहते कर लेना चाहिए। अगर धन परमात्मा ने दिया है तो धन रहे और घर में चले जब तक दान कर लो। कल सोचोगे कि छोरा छोरी बहू मुझे दान करने के लिए देगी तो फिर भूल जाना, ठीक है। समय रहते अच्छे काम कर लो प्यारे, कल पर मत छोड़ो। अगर कल पर छोड़ोगे तो कल की कोई गारंटी नहीं है। आज यही ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की आयु में अपने पिता की गोद में बैठना चाहा, माता ने धक्के देकर भगा दिया। ध्रुव जी ने पूछा, मैया मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता क्या? बोले बिल्कुल नहीं बैठ सकते। बोले क्यों नहीं बैठ सकता? ये भी है तो मेरे पिता, जो उत्तम मैया बैठे मैं भी बैठ जाऊं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ध्रुव जी महाराज को सुरुचि ने कहा है अब ये ऊपर आना बंद कर दो, है ना, कथा डिस्टर्ब होती है। तो ध्रुव जी महाराज ने जब देखा कि माता ने गोद से उतार करके धक्के दिए हैं, तो ध्रुव जी ने पूछ लिया, मैया एक बात पूछूं? बोले हाँ। उत्तम भैया गोद में बैठे आपको दुख नहीं, आपको कष्ट नहीं, और मैं बैठा तो आपको तकलीफ हो गई, आखिर बात क्या है? मैं इस कथा से एक बात कहना चाहता हूँ प्यारे, भूल करके भी दो लोगों से छल मत करना। किन से? एक तो हमारे घर में जो पर सहारे पड़ा वृद्ध व्यक्ति, कोई भी हो, माता जी हो, दादी जी हो या दादा जी हो, जो दूसरे के सहारे खुद अपना काम नहीं कर सके, उससे कभी छल मत करो। जो घर में बने उसको खिलाओ, जितनी बन सके उसकी सेवा करो, वो देखता नहीं है। और दूसरा, कभी घर में नन्हे बच्चों से छल मत करो, चाहे वो अपना है या कोई पड़ोसी का भी आ जाए, उसको भी उसी भाव से रखो, ये अपनी औलाद है, क्योंकि बच्चों में भगवान होता है, कभी भूल कर मत करो। यहाँ पर व्यास रंजन श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुरुचि बोली, सुन, ये तेरे पिता हो सकते पर मैं तेरी माँ नहीं हूँ, और तुझे अगर इस पिता की गोद में बैठना है तो वन में चला जा, तपस्या कर, भगवान का भजन कर, और भगवान प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना कि मुझे एक बार सुरुचि की कोख से जन्म दे दे। सुरुचि की कोख से जन्म मिल जाए तो तू इस पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं तो नहीं। आज धक्के देकर ध्रुव जी को भगाया है, ध्रुव जी अबोध बालक है, रोते बिलखते अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ, अब ध्यान देना, माताएं जो होती ना हर चीज का दुख देख सकती है। गरीबी हालत है तो एक समय भोजन करके अपने हिस्से का भी औलाद को खिला दे, तू खा ले, मेरा पेट भर जाएगा। अपने हिस्से का गरीबी हो तो गरीबी देखे, जिस स्थिति में हो तो माँ अपनी औलाद को पाल सकती है, बात का ध्यान देना प्यारे। अगर पिता नहीं हो तो एक बार का चले, पर माँ अगर है तो वो माँ 4 बच्चों का भी पेट भरने में समर्थ रहती है प्यारे, ये माँ की महिमा। ध्रुव जी को अंक में भराज मैया सुनीति ने कहा, बेटा रोता क्यों, विलाप क्यों कर रहा है, क्यों रो रहा है? ध्रुव जी बोले, मुझे मैया ने गोद से उतार कर भगा दिया पिताजी की। मैया एक बात बताओ, मैया ने कहा कि वन में जाने से भगवान मिलते हैं, क्या वन में मुझे भगवान मिलेंगे? माता सुनीति ने कहा कि भगवान का भजन करने से, भजन से परमात्मा मिलते हैं, ये बात सत्य है, पर लाला अभी तेरी उम्र नहीं है, अभी तक तू यही रहे। पर ध्रुव जी ने हट कर लिया, आज हट हो गई। ये 4 हट बड़ी खतरनाक, आप सब जानते हो। आज बाल हट हुई है, ध्रुव जी ने कह दिया मैं तो वन में जाऊंगा,
भगवान का भजन करूंगा, परमात्मा को प्राप्त करूंगा। आज निकले हैं द्रौपदी महाराज वन की ओर, और वन की ओर चले गए तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि दर दर भटकते फिरे, दर दर भगवान का पता ढूंढते फिरे आज ध्रुव जी महाराज, पर भगवान नहीं मिलेंगे। अब ध्यान देना, अगर अच्छे काम का संकल्प हो तो भगवान किसी भी रूप में आकर के सहयोग कर देता है, किसी भी रूप में आकर तुम्हें सही राह दिखा देता है। अब जब दर दर की ठोकर ध्रुव जी खाए, कोई मिले नहीं, तो कहते हैं भगवान ने अपने देवर्षि नारद जी को भेज दिया, जाओ नारद संभालो ध्रुव मेरे नाम पर आया है। नारद जी महाराज ने आकर पूछा, हो आप कौन है, आपका परिचय दो। ध्रुव जी बोले, बोले मैं राजा उत्तानपाद का बेटा ध्रुव। नारद जी बोले इस वन में क्या कर रहे हो। बोले इस वन में भगवान का भजन करने आया हूँ, भगवान की गोद में बैठना चाहता हूँ। नारद जी बोले बेटा जी जानते हो ये भगवान कौन है, और ये भगवान ऐसे सहज में किसी को मिलते नहीं, मेरी बात मान वापस लौट जाए, ये भगवान किराने की दुकान का सामान नहीं है जो कहीं पर भी मिल जाए। ध्रुव जी महाराज बोले पहले तो आप अपना परिचय दो, आप कौन है। बोले मैं देवर्षि नारद। बोले अगर आप जानते हो भगवान का पता तो आप बता दो, आप ही हमें मार्ग दिखा दीजिए। देखना गुरु सहज में किसी को अपनाते नहीं है प्यारे। गुरु तो लोग कहते मैंने उनको गुरु बनाया, मैंने उनको गुरु बनाया, मैं उनको गुरु बनाऊंगा, ये बात का ध्यान देना। ये गुरु कोई बनाते नहीं है, गुरु को तो मेरा गोविंद भेजता है प्यारे कि तू जा और इसे मेरे रास्ते से जोड़ दे। गुरु का होना जीवन में आवश्यक है, गुरु का होना जीवन में आवश्यक है। बिना भवनिधि कोई तर ही नहीं सकता। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा आप बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे। तो नारद जी ने कहा मेरी बात मान बेटा, ये भगवान वैसे मिलने वाले हैं नहीं। अगर तुझे भगवान ही मिलना चाहता तो भगवान से मिलना चाहता है तो अभी तेरी उम्र नहीं, वापस लौट जा। अभी तो तू वापस लौट जा, उम्र तेरी होगी जब तू आ जाना हमारे बीच में। वार्ड क्रमांक 54 के पार्षद महोदय राकेश जी गोयल भी हमारे बीच में पधारे हैं। बबलू राठौर जी भाजपा नगर संयोजक, इनका भी एक बार जोरदार ताली बजाकर सब लोग स्वागत कर लीजिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहार बिहारी लाल की। कितना जिस पर भगवान की कृपा हो उसे भगवान कहां से भी खींच करके बुला लेता है, और भगवान की अगर कृपा ना हो तो पास में भी घरों में हम बैठे रह जाते, कथा हो जाती सात दिन की। ऐसे ही हमारे बीच में राकेश जी गोयल जो पार्षद है वार्ड क्रमांक 54 के, जो मुसाखड़ी क्षेत्र आता है,
और साथ में बबलू राठौर जी जो भाजपा के नगर संयोजक हैं, इनका एक बार पुनः व्यासपीठ से स्वागत और आप सब लोग की तरफ से भी स्वागत, श्री कृष्ण मालवी मित्र मंडल की ओर से भी स्वागत। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। हो मेरे प्रीत ना छूटेगी नंद लाला से, मेरी प्रीत ना छूटेगी नंद लाला से, मेरी प्रीत ना छूटेगी नंद लाला से, मेरी प्रीत ना छूटेगी नंद लाला से, नंद लाला से, मुरली 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 लाला से, मेरी प्रीत न छूटेगी नंद लाला से, मेरी प्रीत न छूटेगी नंद लाला से। हमारे बीच में संध्या जी जिधर नगर से पधारे हैं, इनकी आज 21 फरवरी महाशिवरात्रि से कथा है। हरि बोल, सबको आमंत्रण है। ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की।
कहते ध्रुव जी महाराज ने पूछा, प्रभु आप बताओ कि भगवान कैसे प्राप्त होंगे, मुझे भगवान से मिलना है, भगवान की गोद में बैठना चाहता है। नारद जी ने समझाया, बेटा ये भगवान वैसे नहीं मिलते, तेरी उम्र नहीं है भगवान को प्राप्त करने की, अभी लौट जा वापस। देखना गुरु हर किसी को सहज में अपने जीवन में उतारते नहीं, हर किसी को गुरु अपना तो नहीं है। जिस पर मेरे गोविंद की कृपा हो जाए भला उसे गुरु प्राप्त होते हैं, और गुरु मिल जाए तो गुरु गोविंद का रास्ता खोल देते हैं प्यारे। इसलिए गुरु भी हो तो जो धर्म से जोड़े ऐसे लोगों का साथ कर लो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ध्रुव जी को नारद जी महाराज ने मृत्यु का भय दिखाया। अरे तू जानता है इस वन में बड़े बड़े हिंसक पशु रहते हैं, भगवान तो नहीं मिलेंगे पर कहीं राधे राधे हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरी बात मान वापस लौट गए। ध्रुव जी ने कहा, सुनो नारद जी अगर बताना चाहते हो तो भगवान कैसे मिलेंगे ये बता दो, अब क्या होना है क्या नहीं होना ये तो ठाकुर जी जाने, मैं उसके भरोसे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, नारद जी ने सोचा कि इसका विश्वास परमात्मा के प्रति अडिग है, अटल विश्वास है, इसे तो भगवान का पता देना चाहिए। नारद जी ने पास में बुलाया ध्रुव जी महाराज को, कान में द्वादशाक्षर मंत्र फूंक दिया। गुरु का काम भी वही होता है प्यारे, जो मंत्र दे करके और भगवान का मार्ग दिखा दे, अपने में उलझा करके न रखे वो गुरु। ऐसा नहीं गुरुजी बन गए और गुरुजी फोन करते इतनी इतनी व्यवस्था देख लेना, नहीं वो भी नहीं कह रहा हूं, ये व्यवस्था शिष्यों को देखना चाहिए, गुरु की सेवा करना परम कर्तव्य हमारा है। पर जो अपने में ना उलझा करके मंत्र रूपी बीज दे करके और जो मेरे गोविंद से जोड़ दे वो सच्चा गुरु प्यारे, वो भगवान से तुम्हें मिला सकता है, वही सच्चा गुरु। बेटा ये मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये मंत्र जपना, द्वादशाक्षर मंत्र कौन सा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इस मंत्र में इतनी ताकत है कि आज भी इस कली काल में भी सात दिन सात रात्रि एक आसन पर निराहार बैठ करके जो इसका जाप कर ले वो आज भी ब्रह्मांड का दर्शन कर सकता है, इतनी इसकी महत्वता आज भी है। पर सबसे ज्यादा कठिनाई यही है कि इस दुनिया की फालतू बात तो इस जीवा से खूब निकलती है पर भगवान का भजन करने में तकलीफ है। फालतू बात की बात बोल दो आप, दिन भर कुछ भी बड़बड़ाते रहेंगे, कुछ तो भी बोलते रहेंगे पर भगवान का भजन की बात करो तो देखना, या अगर आके बैठ भी गए तो पहली बात भगवान का भजन जब चलेगा ना तो कई लोग ऐसे बैठेंगे जैसे कहीं पर वास्तविक क्या है, भगवान का भजन मानसिक भी हो जाना चाहिए, मन से भी करो। ये मंत्र दिया, बोले बेटा इस मंत्र का जाप करना तुझे भगवान जरूर मिलेंगे। नारद जी महाराज चले गए, नारद जी महाराज ने विश्वास कर लिया, आसन लगाया, वृंदावन में मधुबन है, आसन लगाकर बैठ गए, मंत्र जाप चल रहा है। कहता है एक महीना बीत गया भगवान नहीं आए, दो महीने बीत गए भगवान नहीं आए, तो ध्रुव जी को लगा कि वन का जो फल मैं खा रहा हूं और यमुना का जल पी रहा हूं इसलिए भगवान नहीं आ रहे हैं, क्या करना, बोले इसको छोड़ देना चाहिए। तो फल फूल जो खाते थे जल पीते वो भी त्याग कर दिया। तीन महीने बीते भगवान नहीं आए, चतुर्थ महीने में प्रवेश किया भगवान नहीं आए, तो ध्रुव जी को लगा पे बैठ करके भगवान का भजन कर रहा हूं ना इसलिए भगवान नहीं आए होंगे। हम लोग क्या करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं और रात को भी अगर भूख लग जाए ना तो रात को 12 बजे भोजन की थाली तैयार रखते हैं सिर के पास, जब लगेगी जब आराम से। है ना, थोड़ी ज्यादा बना लेना,
घर वाले कहते हैं आज एकादशी ना, बोले कभी रात में गड़बड़ हो गई तो। व्रत का मतलब होता है विश्वास करना, संकल्पित हो जाना। आज ध्रुव जी महाराज का विश्वास बड़ा, सब कुछ त्यागा, आसन पर बैठे थे, खड़े हो गए, एक पैर पर भगवान नहीं आए। पांचवें महीने में प्रवेश किया, भगवान नहीं आए, तो ध्रुव जी ने मन में विचार किया अब क्या करना चाहिए। मानसिक रूप से भगवान से ही उसका तार जुड़ने लगा। साढ़े पांच महीने बीत गए, भगवान नहीं आए। कहते छह महीने पूर्ण होने में 15 दिन बाकी थे, भगवान नहीं आए। तो ध्रुव जी ने क्या किया, श्वास लेना बंद कर दिया। मैं श्वास ले रहा हूं ना, इसलिए कहीं भगवान नहीं आए, श्वास छोड़ दिया। और श्वास लेना बंद कर दिया तो स्वर्ग आदि के जितने देवता थे ना, सभी थर थर कांपने लगे, और जो ठंडी शीतल हवा बह रही थी, हवा में बहना बंद कर दिया। कलकल छल छल करके जो यमुना बह रही थी, नदियां बह रही थी, सभी ने बहना बंद कर दिया। पृथ्वी ने चक्कर लगाना बंद कर दिया। आज एक भक्त की रक्षा करने के लिए सारे देवता घबरा कर वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु जी क्या कर रहे हो आप, तो वैकुंठ में आनंद से बैठे हो, आपको पता है आपकी आप एक भक्त है ध्रुव, आपके नाम का सहारा लेकर अन्न जल का त्याग किया तो किया, श्वास लेना बंद कर दिया है। मेरी बात सुनो, अगर उसे कुछ हुआ ना तो आपकी बात बिगड़ जाएगी। भगवान बोले, बोले क्या बोला, बोले हाँ श्वास नहीं ले रहा, अगर उसे कुछ हुआ तो आपका नाम बदनाम होगा। मानो भगवान कहने लगे, बोले क्यों, बोले आपके नाम पर उसने श्वास लेना बंद किया है, आज मेरे गोविंद बोले हैं। सुनो देवताओं, ये ध्रुव है ना मेरा भक्त है, और उसने मुझे प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ा है, और जब तक सब कुछ न छूटे, जब तक कथा नहीं मिले, जब तक परमात्मा नहीं मिले, प्यारे मैं तो कहना चाहता हूं कि दुनिया की आसक्ति से मुक्त हो जाना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। तुमने कहा ना इसे कुछ हो जाएगा, सुनो जब तक मेरी श्वास चलेगी, जब तक मेरे भक्त की श्वास चलेगी, अगर मैं हूं जब तक मेरा भक्त है, कभी मेरे भक्त की बात नहीं टरेगी। तुम चिंता मत करो, जाओ। कहते छह महीने में एक दिन बचा, भगवान नहीं आए, तो ध्रुव जी महाराज का विश्वास परमात्मा को प्राप्त करने के लिए और बढ़ता गया, और बढ़ता गया, और इतना बड़ा कि दोनों नेत्र बंद किए तो भगवान की छवि का दर्शन होने लगा ध्रुव जी को। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर प्रेम सच्चा हो, प्रेम एक प्रकार का नहीं होता, चाहे माता और पुत्र का प्रेम हो, भाई बहन का प्रेम हो, पति पत्नी का प्रेम हो, मित्रों का प्रेम हो, अगर प्रेम सच्चा हो प्यारे, तो कभी भी ध्यान रखना, आपका प्रेमी प्रियतम चाहे हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, आप नेत्र बंद करो, उसकी छवि आपके सामने आने लग जाए। आज ध्रुव जी महाराज के साथ यही हुआ है, दोनों नेत्र बंद है, दोनों नेत्र के सामने भगवान की छवि गरुड़ पर सवार है। और अनायास भगवान को कृपा करना थी ध्रुव पर प्यारे, तो ध्रुव जी महाराज ने क्या देखा कि दोनों नेत्र बंद थे तो भगवान का दर्शन हो रहा था, और अचानक आंखों से छवि ओझल होने लगी, तो घबरा करके चिंता तो रोक करके, और दोनों नेत्र जब खोले तो मेरा गोविंद सामने खड़ा था प्यारे, साक्षात प्रत्यक्ष मेरा परमात्मा गरुड़ पर सवार होकर। अब ध्रुव जी के सामने भगवान आए तो बोलती बंद, चतुर्भुज रूप धारण गरुड़ पर सवार। भगवान बोले, ध्रुव बेटा इतनी कठोर तपस्या करने का कारण क्या है? ध्रुव जी महाराज बोले, बस सांप का दर्शन चाहता था। भगवान बोले, इसके अलावा कोई इच्छा और भी थी? मांग जो मांगेगा देने को तैयार हूँ। मैं फिर कहना चाहता हूँ प्यारे कि क्या मांगना है दो हाथ वालों से, जब देता है तो मेरा गोविंद छप्पर फाड़ करके देता है, जो नहीं सोचा वो प्राप्त होता है।
व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, ध्रुव जी के सामने भगवान है, कहा बेटा मांग बेटा मांग, तो भगवान का शंख है जिसका नाम है पांचजन्य। शंख लिया ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया, भगवान का शंख जैसे ध्रुव के गाल से स्पर्श हुआ तो मन की जो कामनाएं थी उन कामनाओं का अंत हो गया। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जीव और ब्रह्म के मिलन में अगर कोई बीच में आता है तो माया रूपी पर्दा आता है। क्या करे गुरुजी, समय बिल्कुल नहीं है कथा सुनने का, व्यापार व्यवसाय जो इतना बड़ा रखा है, ये माया ही तो है और माया अपना प्रभाव दिखाती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते ध्रुव की कामनाओं का अंत हुआ, भगवान ने कहा बेटा मांग, जो मांगेगा देने को तैयार हूँ। आज ध्रुव जी बोले, बोले एक बात कहूँ, मांगू? बोले हाँ। बोले मैंने मांगने के लिए थोड़ी आपका भजन किया, प्यारे जहाँ प्रेम होता है वहाँ डिमांड नहीं होती, और जहाँ डिमांड होता है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। जहाँ कुछ मांग लिया जाए वो तो सौदा होता है। एक इच्छा ध्रुव की, बस तुझे देखना इबादत, तेरी चाहत बंदगी है, मैं कैसे भूल जाऊं गोविंद, तू तो मेरी जिंदगी है, बस तू मेरा हो जा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। भगवान बोले मैं तो तेरे सामने पर और भी कुछ मांग, और क्या चाहता है? आज मेरे गोविंद ने कहा बेटा मांग, ध्रुव ने कहा नहीं मांगूंगा, आज भगवान ने कहा मेरे प्रसन्नता के लिए मांग, बोले नहीं मांगूंगा। तो भगवान कहते तू मांग या मत मांग, मैं दिए बिना रहूंगा नहीं। तो भगवान ने ध्रुव जी को वरदान दिया, बेटा तेरे जैसी तपस्या किसी ने नहीं की, तूने मेरे लिए राज्य छोड़ा, घर छोड़ा, ठोकरे खाई। और सुनो, भगवान की याद कब आती है पता है? जब अपनों की ठोकर खाएं, जब अपनों से तिरस्कृत हो जाए, जब अपनों से ही धक्का मिल जाए, जिस दिन अपने धोखा कर लेते हैं उस दिन भगवान की याद आती है। प्यारे, मैं तो फिर कहना चाहता हूँ कि जब ठोकर खा करके भगवान नजर आवे तो बिना ठोकर खाए मेरे गोविंद के पास आ जाओ। इसकी ठोकर खाओगे तो जमाने की ठोकर नहीं मिलेगी। जा बेटा, तू मांग या मत मांग, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तू जब तक जिए, जब तक 36,000 वर्ष तक राज्य करना। कितने वर्ष? 36,000 वर्ष राज्य करने का वरदान प्राप्त कराया। ध्रुव शरण में लौट गए और जाओ, मैं वरदान देता हूँ कि मन भर जा 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद, तो मैं तुम्हें एक लोक प्रदान करता हूँ जिसे ध्रुव लोक कहा है। एक तारा चमकता है दिशा में, ध्रुव लोग आज भगवान ने ध्रुव जी को प्रदान कर दिया। ध्रुव साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि योन्तः प्रविश्य मम वाचमि मां प्रसुप्तां संजीवयथिलः शक्तिधरस्व धाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादिनम् प्राणा नमो भगवते पुरुषायुतुभ्यम्। हे परमात्मा, आप मिल गए, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था। दंडवत प्रणाम करके उठे तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। कहते भक्त और भगवान का जब मिलन हुआ तो स्वर्ग से देवताओं ने भी खूब पुष्पों की वर्षा करी। प्यारे, और इस मिलन को देवताओं ने भी देखा। कितनी उम्र है ध्रुव की? 5 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था, 6 महीने में भगवान मिले, 5.5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया। मैं फिर कहना चाहता हूँ प्यारे, कई लोग कहते कथाओं में बच्चों को नहीं लाना चाहिए, हमारी कथा हर जगह हमारी व्यासपीठ कहती है प्यारे कि बच्चों को कथा में जरूर लाओ। अगर ये कथा में आ गए तो एक दिन इनमें संस्कार होगा, और संस्कार अगर हो गया तो जितना पेपरों में पढ़ते हो ना गड़बड़ सड़बड़, इससे बच जाओगे। गर्व से कहना फिर कि ये मेरी औलाद है, इसलिए भगवान को ही प्राप्त करो। कथा में लाओ बच्चों को, कथा में संस्कार बच्चों को दो, क्योंकि मन परिवर्तन करने का काम सिर्फ और सिर्फ कथा करती है। ध्यान देना,
आज के समय पर बच्चों की स्थिति क्या बनी है, कान खोलकर सुन लेना सब लोग। मैं हर एक उस माता पिता से कहना चाहता हूँ, ये कथाओं में बच्चों को क्यों लाओ पता है? आज के समय बच्चों की ज्यादा स्थिति नशों में चले गए सब लोग। अच्छे अच्छे बच्चों को देखना, कहते ना बच्चे देश का भविष्य होता है। ये देश का बच्चा तो अंधकार में जा रहा है, नशों के चक्कर में पड़ रहा है। कोई किसके चक्कर में पड़ा, कोई किसके चक्कर में पड़ा है प्यारे? मैं सच्चा माता पिता उसको मानता हूँ जो इन चीजों से बचा करके, चाहे गरीब हो। मैं फिर कहता हूँ कि बंगला देने की ताकत नहीं है कमा करके, तो मत दो अपनी औलाद को। अगर उसके भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, और कहीं गड़बड़ सड़बड़ करके दे भी दिया तो दिया हुआ वापस चला जाएगा। क्या देना है? घर नहीं दे सको मत दो, बंगला नहीं दे सको मत दो, कार नहीं दे सको तो मत दो, पर अपनी औलाद को संस्कार अवश्य दे दो प्यारे। अगर संस्कार प्राप्त हो गया तो कहीं पर भी छोड़ देना, छाती थोप करके चिंता मत करना, तो वो भू सागर से पार हो जाएगा। आपको भी पाल देगा और आपकी औलाद भी पल जाएगी। कथा में लाओ, नशों से बचाओ। मैं कल की बात कर रहा हूँ, यहाँ से मैं निकल रहा था, कल एक छोटा ही बच्चा था, ज्यादा नहीं था, ज्यादा से ज्यादा उसके 15 वर्ष की आयु होगी, ऐसे सिगरेट पी रहा था जैसे कोई रेल चल रही हो। अब 15 वर्ष की आयु में ये स्थिति, तो आगे क्या होगा बताओ? कैसा देश का भविष्य, हम कैसे स्वीकार करें इन चीजों को? तो मैं हर माता पिता को कहना चाहता हूँ, हर गांव के वरिष्ठ लोगों से कहना चाहता हूँ प्यारे, अपने घर की औलाद का ध्यान रखो तो रखो, पर अपने क्षेत्र में भी क्या हो रहा है इसका ध्यान सबको रखना चाहिए, और जहाँ जरूरत लगे तो गलत चीज का विरोध करना सीख जाना चाहिए। ये भगवान की कथा है। ध्रुव जी ने वरदान प्राप्त किया, वरदान प्राप्त करके वापस लौटे। कहते राजा उत्तानपाद सेना को लेकर के ध्रुव जी को लेने चले गए, रथ में बिठाया, अपने नगर में लाए, नगर वासियों ने खूब स्वागत किया, सम्मान किया। तो रथ से उतर करके ध्रुव जी सबसे पहले किसके पास गए मालूम है? अपनी माता सुरुचि के पास गए, जिस माने धक्के देकर वन में भेजा था। दंडवत प्रणाम किया, ध्रुव जी रोते गए, और ध्रुव को जब सुरुचि ने अपनी शरण में देखा तो आंखों में अश्रुधारा बहकर सजल नेत्रों से सुरुचि ने अंग में भर लिया, बेटा ध्रुव तू मेरी शरण में? अरे बेटा जानता है मेरे कारण तुझे दर दर की ठोकर खाना पड़ी, वन में भटकना पड़ा, तू मुझे प्रणाम कर रहा है? कहते प्यारे ध्रुव ने कहा मैया माँ हो तो सुरुचि जैसी, अगर तू ठोकर नहीं मारती तो वन में नहीं जाता, और वन में नहीं जाता तो गोविंद नहीं मिलता। प्यारे माँ हो तो सुरुचि जैसी, जब भगवान से मिलने का रास्ता तय कर दिया, अगर तू अपने में मुझे उलझा करके रखती तो मैं कभी वन में नहीं जाता, अगर पिता की गोद में बैठने से मना नहीं करती तो वन में नहीं जाता, और वन में नहीं जाता तो गोविंद नहीं मिलता। प्यारे आज वो मिला है, मेरा जीवन धन्य है माँ, मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ माँ। माता सुरुचि ने ध्रुव को अंग में भरा, बेटा औलाद हो तो ध्रुव जैसी। अपनी माँ सुनीति के पास गए, सुनीति ने ध्रुव को अंग में भरा, कहा बेटा उस समय पर मैं तुझे रोक नहीं पाई, क्षमा करना, क्योंकि घर में मेरी चलती नहीं थी, मेरे पास कुछ था नहीं जो मैं तुझे दूं। आज ध्रुव ने कहा है मैया तूने जन्म दिया, इससे बड़ा कर्ज मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता, और हर स्थिति में तूने मुझे पाला है, तूने सहयोग दिया माँ, मैं तुम्हें भी प्रणाम करता हूँ। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि बचपन से ही बच्चों को कथा से जोड़ दो, और बच्चे कथा से जुड़ गए तो ये धर्म से जुड़ जाएंगे, और धर्म से जुड़ गए तो धर्म की रक्षा भी होगी और अपने संस्कारों की रक्षा भी होगी। वेद में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। मैं फिर कहना चाहता हूँ धर्म से जुड़कर चलते रहो बस।
ध्रुव जी महाराज तो भगवान का खूब भजन करने लगे, मानो मन ही मन कहने लगे कि मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। क्या क्या जीवन भर ढूंढ लिया जब सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया, ढूंढ लिया जब सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया, जब मन को काग्र किया तो तू दिल बीच समाया, भव पार करने वाले मुरली बजाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, दास हूँ तुम्हारा। फिर ध्रुव जी बोले, 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 बोले कि तेरी माया ने प्रभु मुझको, तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया, तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया, दीन बंधु प्रभु भवतारण प्रभु जी नाम तुम्हारा गाया, सर्वत्र रहने वाले बाके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। हे प्रभु, आपकी शरणागति देकर के मुझे अपनी ओर लगाए रखना, अपनी ओर मुझे खींचते रहना, अपनी ओर खींचोगे तो जगत से दूर होता जाऊंगा और जगत से दूर हो गया तो तेरे द्वारा मुझे प्राप्त हो जाएगा प्यारे, यही भगवान की कृपा। ये संसार की प्रकृति, भगवान से जुड़कर चलो, धर्म से जुड़कर चलो तो धर्म का हो गया वो भगवान का हो गया, और जब भगवान का हो गया तो दुनिया साथ होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों इन सबके हाथ जोड़ते हो, हाथ तो मेरे गोविंद के जोड़ो प्यारे, ये दुनिया उसके पीछे बताओ। कई बार कई लोग कहते हैं कि गुरुजी कोई भगवान भगवान है नहीं, वो ज्यादा घर में परेशान हो जाए ना, कहीं सास बहु का झगड़ा हो जाए, कहीं पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, बेटे बहु का झगड़ा हो जाए तो ज्यादा प्रदर्शन काहे का भगवान, फालतू बात है, कोई भगवान भगवान नहीं है और कोई भगवान की कृपा नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ प्यारे, अगर भगवान की कृपा देखना है तो प्रत्यक्ष प्रमाण ये हरबांस का पुतला तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल आपको और कहीं मिलेगा ही नहीं। दुनिया में थे खूब घूमते फिरे और जब उसने हाथ पकड़ा तो अजिया मिठाया प्यारे, इसलिए मैं कहता हूं कि साथ हो तो मेरे परमात्मा का और भगवान का भजन करते रहो। ध्रुव जी ने खूब किया, गोपालो झलके अकियन में, गोपालो झलके अकियन में, गोपालो झलके
और कहाँ कहाँ झलक रहा है। गोपी गाया सब कोई बोले, कौन कौन बोले, गाया बछड़ा सब कोई बोले, और भवरा बोले बगियन में, क्या बोले कि नंद लालो झलके अखियन में। अब जिसकी आंख में नंदलाला छलके उसे क्या दुनिया अच्छी लगे प्यार। जिसको मेरा गोविंद रास आ जावे, जिसे मेरा गोविंद अपना ले, उसे दुनिया अच्छी नहीं लगे। फिर तो दौड़ करके भाग करके बस कथा के अलावा कुछ नहीं सूझे। बुलाला गली गली में शोर मचो है, गली गली में शोर मचो है, चर्चा होवे सखियन में, नंद लालो झलके अखियन। अब जब नंदलाला जिसके दिमाग में आ जाए, जिसकी नजर में आ जाए, जिसकी आंख में आ जाए, भला उसे क्या दुनिया की दौलत रिझाएगी प्यारे। जिसके सामने दुनिया की दौलत रख दी जाए और एक तरफ गोविंद आ जाए, तो दुनिया की दौलत को ठोकर मार कर गोविंद की शरणागति प्राप्त करता है प्यारे। का ध्रुव ने वही किया, कहां राज, 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद मन भर गया, अपने भाई को राज्य देख करके और चल दिया, सब छोड़ करके वन में तपस्या करी। और भगवान ने कहा था कि तपस्या करने से मन भर जाए, मैं तुझे अपना लोक देता हूँ। तो ध्रुव लोक जाने लगे, तो ध्रुव लोक जैसे जाने लगे तो मृत्यु रानी बीच में आ गई मौत। ध्रुव जी के सामने खड़ी हो गए, सुनो महाराज, जो भी जन्म लेता है बिना मरने के बाद वो कहीं जा ही नहीं सकता, मरना तो पड़ता है। ध्रुव जी कहने लगे, मतलब कहना क्या चाहते हो, बोला आप भी मरो, मरना तो पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा, अच्छा, बोले हाँ, पर थोड़ी देखो नीचे क्या है। जैसे मृत्यु ने अपने गर्दन नीचे झुकाई, ध्रुव जी ने सिर पर पैर रख करके दूसरा पैर ध्रुवलोक में रख दिया। प्यारे, जिसे भगवान रखे उसे कौन संभाले, उसे तो परमात्मा रखता है प्यारे, उसे गोविंद की कृपा प्राप्त होती है। कहते ध्रुव जी महाराज की कथा के बाद पुरंजनोपाख्यान की इष्ट कथा राजा परीक्षित को सुनाई। पुरंजन नाम जीव का है। परीक्षित ने कहा, प्रभु हम संसारिक लोग सुख प्राप्त करने के लिए दुनिया का धन इकट्ठा करते, पर दुख क्यों मिल जाता है, ये बात समझ नहीं आई। ये जगत की रीत उल्टी क्यों है कि मांगो सुख और मिले दुख, ये हमें समझाओ। हम खुशी मांगना चाहते हैं और दुखी हो जाते हैं, क्या कारण है। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो, हम संसारिक लोग भगवान का भजन भी निष्काम भाव से नहीं करते, हम उससे भी सौदा करते हैं। और दुनिया के कूड़े करकट की पोटरी बनाकर सिर पर रख लेते हैं, और जब जब सुख का काम आवे तब तब ये दुख देता है प्यारे। इसलिए जो भी काम करो भगवान को सौंप कर करो। घर से फैक्ट्री जाना जाओ कोई मनाही नहीं है, काम करना पड़ेगा, परिवार का पालन पोषण करना पड़ेगा, कर रही है। पर सुनो, जो भी काम करो पहले गोविंद से कहकर जाओ, लाला मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। जो भगवान के लिए करता है उसके काम भगवान स्वतः ही बना देता है प्यारे, उसे कभी संसार से भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। किसके लिए, जो भगवान को साथ लेकर करे, कोई दुख नहीं कभी नहीं होगा। पुरंजनोपाख्यान की कथा श्रवण कराने के बाद 14 भुवनों का वर्णन भागवत में आया है। कितने भुवन है, 14 भुवन, 3 लोक 14 भुवन। 14 भुवनों का दर्शन कराने के बाद प्रीव्रत महाराज की कथा आती है। ये प्रीव्रत महाराज कौन है, ये स्वयंभू मनु जी महाराज के बड़े बेटे हैं, राजा उत्तानपाद के बड़े भाई। ये बड़े आत्माराम पुरुष हुए, कहते इन्होंने खूब भगवान की तपश्चर्या करी, खूब भगवान का भजन किया और भगवान को प्राप्त कर लिया।
इन्हीं के वंश में आग्निग्र हुए। आग्निग्र जी महाराज के यहाँ राजा नाभि हुए। राजा नाभि के यहाँ पर संतान नहीं थी, राज तो था, धन दौलत तो था, पर घर में संतान नहीं तो किस काम का। राजा नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ। दोनों पति पत्नी ने खूब यज्ञ किया, खूब दान किया, खूब तपस्या करी, फिर भी संतान नहीं हुई। तो कहते हैं दोनों पति पत्नी सब छोड़कर और भगवान का भजन करने लगे। भगवान का भजन करते करते भगवान खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। कहा मांगो राजन, क्या मांगना चाहते हो। राजन बोले मांगने के लिए नहीं, आप सब जानते हो मुझे क्या चाहिए। आज भगवान बोले चिंता मत करो राजन, मैं खुद तुम्हारे घर पुत्र बनकर आने वाला हूँ, तुम्हारा बेटा बनकर क्या आऊंगा। अब ध्यान दो प्यारे, जो जगत का पिता है आज वो अपने भक्त से कह रहा है मैं तेरा बेटा बनने को तैयार हूँ, तो चिंता मत करना है, विश्वास रखना बस। वही राजा ना भी अपने राज्य में आए हैं और भगवान का भजन कर रहे थे, परमात्मा का भजन कर रहे हैं। आज भगवान उस वचन को पूर्ण करने के लिए एक अवतार भगवान का हुआ, जो ऋषभ अवतार कहा गया है। बोले श्री ऋषभ देव जी महाराज की। ये ऋषभ देव कौन? ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी, जिनका एक नारा था अहिंसा परमो धर्म। जिसने अपने जीवन में अहंकार को स्वीकार नहीं किया, कभी कभी किसी के बारे में गलत भाव नहीं। आइए स्वागत एक बार जोरदार ताले बजाकर स्वागत, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिनका एक ही लक्ष्य। ये रेवती से पधारे राहुल जी परमार, एक बार जोरदार ताले बजाकर के स्वागत, भगवान इन पर सदैव कृपा बरसाए रखें। ऋषभ अवतार हुआ जिनका एक ही नारा था अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को जिसने अपना माना। कहते हैं कि धीरे धीरे ऋषभ देव जी महाराज बड़े हुए, गुरुकुल पहुंचे। ये दोनों नव युगल जोड़ा है, इनके लिए जोरदार ताले बजा करके स्वागत, भगवान सदैव दीर्घायु प्राप्त हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दोनों साथ में बता रहे हैं, आराम से कथा सुनो, बस कृपा हो। अभी अभी विवाह हुआ है, जय हो, सदैव मंगल हुआ हुआ। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे ऋषभ देव जी महाराज ने गुरुकुल में प्रवेश किया, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी और गुरु की आज्ञा से इन्होंने इंद्र की कन्या जयंती देवी से विवाह किया। इंद्र की दी हुई कन्या जयंती से इनका विवाह हुआ और इनके घर 100 पुत्र हुए। कितने बेटे हुए? 100 पुत्र। बड़े बेटे का नाम भरत हुआ। बड़े बेटे को राज्य दे करके वन में चले गए तपश्चर्या करने के लिए। राजा किसको बनाया? भरत को। इनको बिठा दो बच्चों। अब कथा पर ध्यान देना सब लोग। हमारे देश का नाम क्या है? भारत देश। पहले हमारे देश का नाम भारत नहीं था, पहले हमारे देश का नाम अजनाब वर्ष था। 9 खंड हुए पृथ्वी के, जो अजनाब वर्ष के नाम से जाना जाता था। और भरत जी ने जब यहाँ राज्य किया तो इनका नाम भारत वर्ष पड़ा। जब से भारत वर्ष हमारे देश का नाम हुआ है, भारत माता की जय हो। ये भगवान की कृपा। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जयंती देवी के साथ गृहस्थ जीवन जीने लगे आज भरत जी।
भरत जी महाराज का विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी के साथ हुआ। इनके घर पांच पुत्र हुए, कितने बेटे हुए? पांच। अब भरत जी महाराज ने सोचा खूब राज कर लिया, सब छोड़ देना चाहिए। सब छोड़ करके वन में चले गए। गंडकी नदी के तट पर छोटी सी कुटिया बनाई और भजन करने लगे। अब देखना घर छोड़कर भजन करने के लिए गए, वहां सब उल्टा हो गया। हम लोग यही सोचते हैं कि घर में भजन नहीं होता, बोले फिर बोले वन में चलेंगे, ज्यादा हो तो साधु बन जाओ, है ना, वृंदावन चलेंगे, कई कहते हैं ओंकारेश्वर चलेंगे, भजन करेंगे। ध्यान देना, ये छूटता शरीर नहीं है, घर तो मन से छोड़ा जाता है। अगर घर छोड़कर वन में भी चले गए और मन अगर घर में है तो ये वहां भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है, वहां भी घर याद आता है। भरत जी के साथ ही हुआ। उस नदी में गर्भिणी हिरण आई जल पीने के लिए, पीछे सिंह ने दहाड़ लगाई, हिरण का बच्चा था, हिरण गर्भावस्था में थी, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए नदी में छलांग लगाई, बच्चा गिर गया, गर्भ गिर गया, वो बच्चा जल में डूबने लगा। तो भरत जी सब देख रहे थे, तो भरत जी को लगा मेरे सामने किसी जीव की हत्या हुई ठीक नहीं है। उठे आश्रम से और जाकर के उस हिरण के बच्चे को बचाया। हिरण के बच्चे को लेकर उसकी माँ के पास पहुंचे, उस किनारे पर जाकर देखा तो हिरणी तो मर चुकी थी, प्राण त्याग चुकी थी। तो भरत जी ने सोचा कि इसको अगर वन में छोड़ दिया तो इसे इंसेक्ट पशु मार डालेंगे, क्या करना चाहिए, पाप अपने को लगेगा, तो आश्रम में ही पालो। आश्रम में पाला है। तो हुआ क्या, भरत जी के साथ घर छोड़कर गए थे मोह माया त्यागने के लिए, और मोह बढ़ गया हिरण के बच्चे में, और इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि रोज 21 माला करते थे, 21 की 11 हो गई सीधी आधी, 11 की 5 हो गई, 5 की 3 हो गई, 3 की 2 हो गई, 2 की 1 हो गई। एक दिन ऐसा आया कि भजन छूटा, बस हिरण के बच्चे की सेवा करने लग गए। हम लोग भी तो कभी कभी यही करते, गुरु जी क्या करो, घर में इतना जो काम है कि घर का काम करते हुए भजन नहीं होता, है ना। हमारा जो पोता है ना, बिल्कुल दादी जी के बिना रहता नहीं। अब सुनो, आज हिरण के बच्चे के चक्कर में भजन छूट गया भरत जी महाराज का। हुआ क्या कि एक समय जब धीरे धीरे हिरण का बच्चा बड़ा हुआ, भरत जी नदी में स्नान करने के लिए गए, वापस स्नान करके लौटे, आकर आश्रम में देखा हिरण का बच्चा गायब। अब हिरण का बच्चा गायब तो भरत जी ने मन में विचार किया गया कहां, तो सबसे ढूंढा, और जब हिरण का बच्चा नहीं मिला तो आंखों से अश्रुपात होने लगा, रोने लगे हैं भरत जी महाराज, और इतना रोए हैं कि उस हिरण के बच्चे के चक्कर में अन्न जल का त्याग कर दिया। मैं कहना चाहता हूं प्यारे कि संसार में जिससे ज्यादा प्रेम करोगे उसके कारण आंख में आंसू आएंगे ही आएंगे, जगत की रीत है। प्रेम जगत से नहीं, प्रेम हो तो जगन्नाथ से हो प्यारे, उस परमात्मा से हो। अगर जो भगवान के लिए रोता है उसकी आंख में भगवान का भी आंसू नहीं आने देते, उसको भगवान अपना लेते हैं। आज भरत जी ने उस बच्चे से प्रेम किया उसके कारण रो रहे हैं। जिससे ज्यादा प्रेम करोगे उसके कारण रोना भी पक्की बात है। भरत जी ने सोचा गया का जब दर्द ढूंढा नहीं मिला तो अन्न जल का त्याग हुआ, अन्न जल का त्याग हुआ, शरीर कमजोर हुआ, मरणासन्न स्थिति हो गई, और मरणासन्न स्थिति हुई भरत जी की तो क्या स्थिति बन गई कि अंत समय आया तो मरते मरते भी भरत जी की इच्छा कहाँ रही, हिरण के बच्चे में, तो दूसरा जन्म हिरण का हो गया। कहते ना अंत मति सो गति, इसलिए ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, धीरे धीरे छोड़ो। जिसका घर में मन रह जाता है वो दहलीज पर पड़ा रहता है, गुरुजी एक बार भी नहीं डालते हैं फिर भी घर नहीं छोड़ता विचार, है ना। बता रहे हैं, धन में मन रह गया तो इतने लंबे घूमते किसी को कुछ नहीं बोलते,
अब धन की रखवाली कर करके बैठ गए। कभी कभी किसी दादा दादी की इच्छा औलाद में रह जाती है, पोते नातों में, तो कभी कभी बेटे के यहाँ बेटा हो ना और दादाजी चले जाए तो कई माता कहती बिल्कुल दादाजी पे गया है, बिल्कुल दादाजी पे, ये दादाजी पे गया नहीं, दादाजी को आना पड़ा है। अंत मति सो गति, इसलिए अंत की इच्छा भगवान से प्रार्थना करो कि परमात्मा जितना भटकाना है इतना अभी भटका लेना, पर अंत समय बस तेरा नाम आना चाहिए। अंत समय तो मिल जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अंत समय भगवान का दर्शन हो जाना ही भगवान की सर्वोपरि भक्ति है प्यारे। और ध्यान देना, हर काम का फल नगद होता है पर भक्ति का फल थोड़ा लेट मिलता है, दान का फल थोड़ा लेट होता है। ध्यान देना, दुनिया का काम करोगे फल मिले नहीं मिले गारंटी नहीं है। पल भर में अच्छा कह देंगे और पल भर में कह देंगे तुमने हमारे लिए किया क्या, तुमने भी दादाजी की थी वो निपटाई और हमको दे दिया, होता कि नहीं होता। फिर कहना चाहता हूं प्यारे, यहां श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जीवन में हर चीज का फल मिले ना मिले पर भक्ति का फल जरूर मिलता है। कर लिया सो काम और बज लिया सो राम, अगर एक रुपया भी दान कर दिया गलती से मिलना पक्की बात है। इसलिए दान की इच्छा सदैव रखना चाहिए, दान करते रहना चाहिए। बाद के भरोसे मत रहो कि बाद में कुछ मिले, कुछ नहीं मिल सकता। हिरण का जन्म मिला, पूर्व जन्म की बात याद थी, हिरण का शरीर जैसे तैसे त्याग दिया। तीसरा जन्म मिला एक ब्राह्मण के घर पर, नाम हुआ भरत। तीसरे जन्म में भरत नाम हुआ। अब भरत जी महाराज नाम हो गया तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उस समय की बात भी उनको याद थी कि तीसरे जन्म में मानव थे, मानव से हिरण बने थे जगत की उलझन में, अब नहीं उलझना। तो भरत जी महाराज ने कोई काम नहीं, गुरुकुल भेजे, शिक्षा करने भेजे, कोई शिक्षा नहीं, अब नहीं पढ़ना नहीं लिखना, घर का काम भी नहीं करे, लोग बोले तो बात नहीं करे, तो लोगों ने नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ भरत नाम हुआ। जड़ भरत की स्थिति क्या है पता है, ना लेना ना देना, सदा मगन रहना, न किसी के बारे में अच्छा न किसी का बुरा, न किसी का अपमान न किसी का सम्मान। कोई माला पहनाए तो भी तेरा भगवान भला करे, कोई मुट्ठी भरकर धूल फेंक दे तो भी तेरा भगवान भला करे, ये सच्चा साधु था। जड़ भरत ने कह दिया कुछ नहीं करना तो घर में देखना। कई लोग कहते हैं कि मेरे बिना घर नहीं चलता, कई लोग कहते अगर अपन दो दिन में चली जाए नहीं तो घर की हालत बिगड़ी जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं व्यासपीठ के माध्यम से प्यारे, तुम रहो नहीं रहो, तुम्हारे जैसे कितने ही आए, कितने गए जो कहते थे कि मेरे बिना घर नहीं चले। ठीक से चलने लग जाता है ये घर वाले मेरे बिना रहते नहीं। मैं फिर कहना चाहता हूं ये घर तो छोड़ने को तैयार है पर तुमने पकड़ जो रखा है खूब मजबूती से, ऐसा पकड़ रखा कि छोड़ने का नाम नहीं है। धीरे धीरे छोड़ने लग जाओ। कैसे छोड़ना है पता है, 3 घंटे छोड़ो घर को कथा में आओ, 3 घंटे रोज छोड़ोगे 7 दिन तो 7 दिन कथा सुन लेगा ना, और जिस दिन कथा विराम हो जाएगी और कथा नहीं मिलेगी तो घर में फिर बात करेंगे, हाँ तो दिन नहीं कटी रही कथा नहीं है तो फिर बुरा लगने लग जाएगा। इसलिए जोड़ना है तो अपने आप को भगवान से जोड़ दो। आज जड़ भरत ने कहा किसके चक्कर में नहीं, तो भाभियों ने कहा अपने भाइयों को बुला करो, पतिदेव क्या कर रहे हो, ये मुफ्त का माल कब तक खिलाओगे, करता धरता कुछ नहीं है। भैया बोले क्या चाहते, बोले खेत की रखवाली करने छोड़ दो उनको। भाइयों ने कहा ठीक है भैया खेत पे छोड़ दे, जड़ भरत को खेत की रक्षा पे छोड़ दिया। जड़ भरत से कहा देखना खेत की रखवाली करना, चिड़िया खेत न चुके, बोलो चिंता मत करो मैं देख रेख करूंगा। अब जड़ भरत वहां रहे,
लेना ना देना खेत किसका, बोले राम जी का, जो चिड़िया चुग रही वो किसकी, बोले राम जी की, जब सब राम जी का तो मैं भगाने वाला कौन, कोई मतलब नहीं उनके सामने खेत चिड़िया चुग रही है, वो चिड़िया चुगे वो भजन गाए भगवान का भजन करे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। अब भजन करते करते कहते प्यारे कि संत जो होता है वो सदैव भगवान का भक्त होता है, हर जीव पर दया का जो भाव होता है, मैं नहीं भगाऊंगा। पड़ोस में एक राजा को नरबलि चढ़ाने की जरूरत लगी, जड़ भरत को पकड़ कर ले गए और जड़ भरत को पकड़ कर के ले गए तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं उन सैनिकों ने पूछा, भैया तुम्हें हम कहां ले जा रहे, तुम पूछो तो सही। तो जड़ भरत ने कहा, कहां ले जा रहे तू भी बता दो। बोले तुम्हारी गर्दन कटने वाली, बलि चढ़ने वाली है। जड़ भरत जी बोले मेरी बलि चढ़ने वाली, बोले हाँ किसको, बोले माता जी को। अब माता जी का नाम लिया जड़ भरत, दोनों हाथ से ताली बजाए, जय हो जय हो जय हो, कैसी भी है मेरी माँ, बेचारी ने दुनिया ने ठोकर मारकर खेत पे पटक दिया, फिर बुला लिया अपने पास, पहुंचे हैं माँ भगवती के दरबार में आज। जड़ भरत पूजन अर्चन किया और बलि चढ़ने का समय आया, राजा ने पूछा अंतिम कोई इच्छा, जड़ भरत ने कहा कोई इच्छा नहीं। बोले बताओ, जो इच्छा होगी पूरी करेंगे मरते समय। भाई से मिलना है, बोले नहीं मिलना। पिता से मिलना, नहीं मिलना। पत्नी से, बोले है ही नहीं। किससे मिलना, बोले किससे नहीं मिलना, मेरी एक इच्छा अंतिम में। बोले क्या, बोले जिसकी शरण में मेरी बलि होने वाली हो उसकी एक बार छवि आंखों में भरना चाहता हूँ प्यारे, उसके दर्शन करना चाहता हूँ एक बार, बस तू मिल जा बस। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, एक बार मिलना चाहता हूं बस। राजना का ठीक है, उठकर जड़ भरत ने दर्शन किया माँ भगवती का, माँ मैं तेरी गोद में आ रहा हूं तू रक्षा करना। कहते ऐसा कहिए गर्दन झुकाई और जैसे ही नरबलि चढ़ाने के लिए खड़क चला है, उस खड़क जैसे चला तो पत्थर की मूर्त चीरकर अष्टभुजी रूप धारण करके मेरी माँ भगवती आ गई प्यारे और उसकी रक्षा कर दी जड़ भरत। कहते ना जाको राखे साइया मार सके ना कोई और बाल ना बाका कर सके चाहे, जग बेरी हो जिसको मेरा गोविंद रखे उसे कौन मारे। पर समझना पड़ेगा उसकी कृपा कहाँ है, कोई नहीं समझता ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को पर खैरा कोई नहीं रे। Yeah.
ज्ञान तराजू लेकर बैठियो दियो भंडारो को छाट छाट कर तुम्हें चढ़ा लो छाट छाट कर तुम्हें चढ़ा लो उतोल करे ना मोल ऐसो कोई नहीं रे ऐसो कोई नहीं रे या हीरा ऊपर कहियो राम कोई नहीं रे। कौन है प्यारे हीरे की परख अगर हम सबको हो जाती है हीरे की परख होती तो मीरा बाई को विष का प्याला नहीं पिलाया जाता हीरे की परख होती तो प्रभु श्री राम को वनवास नहीं मिलता हीरे की परख होती तो भक्त विभीषण को लात मार कर निकाला नहीं जाता प्यारे हीरे की अगर परख होती तो ध्रुव को वन नहीं जाना पड़ता वृत्तासुर पहुंच गए इंद्र के सिंहासन पर चलो हटो अब मेरा नंबर है इंद्र को सिंहासन से उतार दिया सारे देवता दर दर भागने लगे सारे देवता भगवान के पास पहुंचे प्रभु आप ही संभालो आप ही बचाओ इससे भगवान बोले इसमें मेरा कोई दोष नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता मैं नहीं बचा सकता बोले फिर बोले इसको मारने के लिए अस्त्र बनेगा कौन सा बोले दधीचि मुनि अगर अपने हड्डियों का दान करे तो इसकी मृत्यु होगी नहीं तो इसे कोई मार ही नहीं सकता सारे देवता पहुंचे हैं दधीचि मुनि के पास प्रभु आप रक्षा करो आप रक्षा करो आप संभालो क्या चाहिए बोले आपके हड्डियों का दान चाहिए इससे वज्र बनेगा इस वज्र से वृत्तासुर की मृत्यु होगी दधीचि मुनि ने कहा ठीक है भैया जो देवताओं के काम नहीं आवे जो धर्म के काम नहीं आवे वो शरीर किस काम का आखिरी में भी राख का ढेर बनना है तुम ले लो कहते आज वही दधीचि मुनि ने गायों से अपने शरीर को चटवाया चमड़ी भी चाट गई मांस भी चाटा है और सिर्फ हड्डी जो बची थी वो देवताओं को दान कर दी जाओ ले जाओ वही हड्डी लेकर के वज्र बनाया इंद्र को दिया इंद्र वज्र लेकर के गया वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए कहते युद्ध करते करते वृत्तासुर के दोनों हाथ वज्र से इंद्र ने काट दिए पर हाथ तो गायब हो गए तो वृत्तासुर इंद्र को ही निगल गया पेट में इंद्र पेट में चले गए पर हाथ में वज्र था पेट फाड़ने लगे कहते एक साल में वृत्तासुर का पेट फटा कितना साल लगा एक साल वृत्तासुर का पेट फाड़ा वृत्तासुर का वध हुआ और अंतिम समय भगवान ने आकर के वृत्तासुर से कहा मांगो वृत्तासुर क्या चाहते हो वृत्तासुर ने आज एक बात कही है बोले प्रभु अंत समय में मुझे क्या चाहिए बोले अंत समय में मुझे आपका विरह प्राप्त करा दो क्या मांगा आपका विरह कैसा विरह बोले जिस प्रकार किसी प्रियतमा पत्नी का पति विदेश चला जाए कुछ समय हो लौटे नहीं तो रात दिन जिस प्रकार वो प्रीतमा पत्नी अपने पति को याद करके रोती रहती बिलखती रहती है कब मेरे स्वामी आएंगे प्रभु जो उसमें वो तड़पन है वही तड़प आप मुझे प्राप्त करा दो मैं आपसे मिलना चाहता हूं प्रभु आप ऐसी कृपा कर दो भगवान बोले ये तो प्रीत का प्रेम है उस प्रीतमा जो पत्नी है ना अपने पति से प्रेम करती तो प्रेम वाला ही है ये तो स्वार्थ का है तुम भी स्वार्थ से कर रहे हो बोले प्रभु ऐसा नहीं है सुनो ये नहीं देना चाहते तो ऐसा दे दो कि जिस प्रकार गाय का एक बछड़ा होता है सुबह से गैया जब वन में घास चरने जाती है सायंकाल का समय होता है और वो गाय का बछड़ा रंभाने लग जाता है शाम का समय हो और शाम के समय पर रंभाते रंभाते अपनी माँ को याद कर तड़पता रोता है प्रभु वही तड़प आप मुझे प्राप्त करा दो आज वृत्तासुर की वीरवाणी भगवत प्राप्ति की कथा प्यारे वृत्तासुर ने क्या मांगा आपका विरह मुझे दो आपका प्रेम मुझे दो जिस प्रकार गाय का बछड़ा तड़पता हो ऐसा मैं आपसे मिलने के लिए तड़पता रहूं प्रभु
ऐसा वरदान मुझे प्राप्त कराओ। जब देखा आज भगवान ने इसकी प्रीत तो सही में ये भगवान का भक्त है, अपने धाम की प्राप्ति कराई। वृत्तासुर का भगवान ने अपनी शरणागति प्राप्त कराई। आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई, बोले भाई के वध होने के बाद हिरण्यकश्यप ने मंद्रांचल पर्वत की घाटी पर जाकर तपस्या करी। तपस्या में ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना घर में ना बाहर, ना जल में ना थल में, ना नर से ना नारायण से। महाराज आपने जो 12 महीने बनाए ना, 12 महीनों में भी ना मरो, ऐसा वरदान था। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये तो अमर होने का वरदान हो गया। बोले हाँ यही चाहिए, ब्रह्मा जी ने दिया वरदान। प्राप्त करके आज हिरण्यकश्यप अपने राज में आया, कहते धर्म को मिटाने का काम कर रहा था। वरदान प्राप्त करके ताकत आ गई। हिरण्यकश्यप ने सेना को आदेश कर दिया, सुनो जो भी भगवान का भजन करे उसे मार डालो, यज्ञ विध्वंस कर दो। वरदान प्राप्त करने के बाद सेना पहुंच गई, यज्ञ विध्वंस करने लगे, भगवान के भक्तों को मारने लगे, गौशालाएं उजाड़ने लगे, यज्ञ मंडप तोड़ने लगे। पर भगवान भी बड़े कौतुकी है प्यारे मेरे परमात्मा। जो भगवान को मिटाने जा रहा था उसी के घर में उसी की औलाद बनकर के अपना भक्त पैदा कर दिया, जिसका नाम भक्त प्रहलाद हुआ। परीक्षित ने पूछा प्रभु एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। बोले हाँ। बोले राक्षस के घर में भक्त पैदा हो ये बात समझ नहीं आई। राक्षस के घर में प्रहलाद कैसे आया, भक्त कैसे आया? तब श्री सुखदेव जी हमारा समझाते हैं, परीक्षित सुनो, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था, इंद्र हरकल ले जाने लगा, नारद जी ने बचाया और नारद जी ने अपने आश्रम में रख करके गीता का पाठ सुनाया। और जब जब गीता का पाठ सुना, जब जब वो गर्भावस्था में थी, तो सुनो गर्भस्थ शिशु को जैसा मिले वैसा उसके जीवन में आता है। ये माताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना। जब माताएं गर्भावस्था में हो उस समय पर ज्यादा एवीटीवी के चक्कर में मत पड़ना, है ना? उस समय ज्यादा इधर उधर मोबाइल मोबाइल के चक्कर में पबजी वबजी आजकल बहुत चल रहा है, मैं जान देखू ना। और ऐसे दीवाने हो गए लोग कि पड़ोस में से कौन निकल गया पता ही नहीं चला। एक फैशन ऐसी चली अभी वो सेल्फी वाली, अच्छा भला मुंह बिगाड़ लेते हैं, अच्छा भला है कि नहीं? तो कयाधु ने भगवान का भजन किया कि राम नाम बोलो मन, अरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन, अरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन, अरे। हमारे बीच में डॉक्टर बंगाली जी बधाएंगे, आज का प्रसाद इनकी तरफ से है, जोरदार ताली बजाने का स्वागत। Oh,
क्या है, भव सागर। भव सागर पतवार यही है, भव सागर पतवार यही है, सच्चे मन की पुकार यही है। मन मंदिर में राम बिठालो, हीरे परख क्या हीरा को नहीं, ये समझ लो। मैं जमाने के हीरे की बात नहीं कर रहा हूँ प्यारे, ये मानव तन ही एक हीरा है। इस मानव तन की कीमत समझ लो, कि हीरा जो मिला है ये दुनिया में फेंकने के लिए नहीं है, इस हीरे से तो भव सागर पार करना है, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही जीवन की धन्यता है। ये भगवान की केते अष्टभुजी रूप धारण करके जड़ भरत की रक्षा करी, फिर खेत पर आए। पड़ोस का सिंधु सुमेर देश का एक राजा रघुगण था, कपिल मुनि के आश्रम पर जा रहा था शिक्षा प्राप्त करने, दीक्षा लेने। पालकी कहार बीमार पड़ा, जड़ भरत को जोता गया, जड़ भरत को अनाप शनाप बोलने लगा, जड़ भरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जब बार बार बोला तो जड़ भरत ने एक बार जवाब दिया, वही राजा रघुगण को उपदेश हो गया। राजा रघुगण पालकी से उतरा, दंडवत प्रार्थना करी, प्रभु आप कौन है बताओ, मुझे दो लोगों से भय लगता है। दो लोगों से बोले कौन, बोले एक तो भगवान के भक्त से और एक संत से ब्राह्मण से, बाकी किसी से नहीं रहता, दोनों में से कौन हो। राजा रघुगण से कहा, आपने अभी अभी कहा ना कि तू हेवी के मर गया, वजन ढोने के लिए भार तुझे लग रहा है, तो भार तो शरीर को लगता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। आपने कहा है कि मर गया, आत्मा ना जन्म लेती है ना आत्मा कभी मरती है, मैं तो आत्मा हूं। राजा रघुगण को उपदेश देकर के राजा रघुगण पुनः अपने राज्य लौटे। जड़ भरत ने भगवान का भजन करके ही भगवान को प्राप्त किया। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन भागवत में है। सूर्यदेव के रथ की गति का वर्णन है, शिशुमार चक्र का वर्णन है, शंकरषण देव का विवरण और उनकी स्थिति का वर्णन है, स्तुति का वर्णन है। 28 प्रकार के नरक भागवत में बताए, कितने प्रकार के, 28 प्रकार के। अगर ये नरकों की कथा सुन लो ना तो रात में नींद भी नहीं आए ठीक से। परीक्षित महाराज को सुनाई, हम आपको नहीं सुनाएंगे, क्यों भाई, जो भागवत में आ जाता है उसको नरक में जाना ही नहीं, क्यों सुने हम लोग। राजा परीक्षित को सुनाया, 28 प्रकार के नरकों की गति का वर्णन, परीक्षित थरथर कांपने लगे। परीक्षित दोनों हाथ जोड़कर श्री सुखदेव जी की शरण में गिरे, प्रभु क्या कर रहे हो, इतनी कठिन यम यातना होती है, बोले आ, बोले प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। भगवान सुखदेव जी कहते, तुम क्यों चिंता करते हो, तुमने भगवान का नाम लिया है, भगवान के सहारे जो हो जाता है उसे कभी नरक में जाने का काम नहीं पड़ता, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। पर परीक्षित ने जब नरकों की गति का वर्णन सुना, थर थर कांपने लगे, इतनी कठिन है नरकों की वर्णन। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित क्या सुनना चाहते हो, बोले प्रभु मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान के भजन से कभी किसी को भगवान ने बचाया है नरक में जाने पर भी, बोले हाँ, बोले कोई कथा सुनाओ, तो कथा सुनाइए अजामिल नाम के एक ब्राह्मण की। क्या नाम है ब्राह्मण का, अजामिल। अजामिल ब्राह्मण था, एक दासी से विवाह कर लिया, दासी का पति होने से ब्रह्म तत्व नष्ट हो गया, सारा जीवन पाप कर्म में लगा दिया, बुढ़ापा बेरी आया। परीक्षित कहते, भगवान जिस पर कृपा करे ना
उस पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। सारा जीवन पाप कर्म किया, भगवान ने अपने पार्षद के रूप में संतों को भेज दिया चातुर्मास करने के लिए, वही अजामिल के यहाँ रुके। अजामिल की धर्मपत्नी ने खूब सेवा करी और सेवा करके जब जाने लगे तो अजामिल शरण में गिर गया। प्रभु सारा जीवन तो पाप कर्म में लगा दिया, सारा जीवन पाप कर्म किया, अब बताओ इस हाडमांस के पुतले ने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया तो मुझे नर्क की प्राप्ति होगी, तो मुझे नर्क से बचाने का उपाय करो। संतों ने कहा सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो, और पहले बताओ कि अगर नर्क से बचना चाहते हो तो भगवान का नाम संकीर्तन करो। अजामिल बोला बुढ़ापे में नाम संकीर्तन नहीं होगा, अब ताकत नहीं स्नान कर लो, अब ताकत नहीं 3 घंटे बैठ जाओ, अब ताकत नहीं कि रोज मांगलिया से उठकर कथा में आ जाऊं, रोज सैटेलाइट से यहां आ सकूं, ऐसा है नहीं। पर बचाओ कैसे बचूं, कोई उपाय कहो। जब कहा नाम संकीर्तन नहीं होता प्यारे, ये बता सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है, बोले मैं सबसे ज्यादा प्रेम अपने छोटे बेटे से करता हूँ, बोले अपने बेटे का नाम नारायण रख दे, नारायण रख दिया। महात्मा चले गए, अब अजामिल को प्रेम तो था ही सही, अब उठे तो बेटा नारायण कहाँ हो, अरे नारायण जल पिलाओ, अरे नारायण भोजन कराओ, अरे नारायण चरण दबाओ, अरे नारायण कहाँ हो, अरे नारायण कहाँ हो, अरे नारायण आ जाओ, अरे नारायण आ जाओ, रोज नारायण नारायण दिन भर चले। एक समय ऐसा हुआ प्यारे कि समय पूरा हुआ अजामिल का, यम के दूत लेने आए और यम के दूत आए पकड़ कर ले जाने लगे, तो यम की पीड़ा को भोग करके अजामिल तड़पने लगा, रोने लगा, बिलाप करने लगा, प्रभु बचाओ नारायण, बचाओ नारायण, तुम कहाँ हो नारायण, तुम कहाँ हो नारायण, तुम कहाँ हो नारायण, बचाओ नारायण, बचाओ नारायण, बचाओ। बुला अपने बेटे को रहा था प्यारे, बेटा तो नहीं आया और मेरे गोविंद ने सुन ली और अपने पार्षदों को भेजा है और यम के फंद से मुक्त करा दिया। ये कौन कर सकता है, ये भगवान कर सकता है, यम के फंद से मुक्त कराया, अजामिल की रक्षा कर ली। आगे श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, यम के दूत खाली हाथ लौटे तो यमराज ने पूछा खाली हाथ आए हो, अजामिल को लेकर नहीं आए, तो यम के दूत बोले बोले बताऊं खाली हाथ क्यों आए, बोले हाँ बोले भगवान के पार्षद आ गए थे। यमराज बोले मेरे काम में भगवान कब से इंटरफेयर करने लगे, जब विभाग ही अलग है तो अपने विभाग की व्यवस्था खुद संभालो। तो यमराज जो है भगवान के पास पहुंचे, भगवान से कहा प्रभु जी सुनो, जब डिपार्टमेंट दिया तो डिपार्टमेंट का काम मुझे ठीक से करने क्यों नहीं थे, बीच में इंटरफेयर क्यों करते हो। भगवान बोले कौन सा इंटरफेयर किया, बोले एक जिसने जीवन भर पाप कर्म किया था अजामिल ब्राह्मण को लेने के लिए मेरे यमदूत गए थे, आपके पार्षद ने क्यों बचाया। भगवान बोले बोले मैंने नहीं बचाया, बोले फिर बोले वो क्या कह रहा था आखिरी आखिरी में पूछो जरा, क्या बोल रहा था, बोले वो नारायण नारायण बोल रहा था। भगवान के पार्षद भगवान बोले बोले खबरदार, जो नारायण का नाम जपने वाले को हाथ भी लगाया तो देखना मत उधर। भाई मैंने तुम्हें डिपार्टमेंट जरूर दिया है पर मेरे घर का काम थोड़ी दिया कि तुम मेरे लोगों को पकड़ कर ले जाओ। ध्यान देना यमराज, एक बात सुन लेना कान खोल करके, जो मेरे धाम में बैठा रहे, जो सच ब्राह्मणों की सेवा करे या मेरा नाम जपे, भूल करके भी हाथ मत लगाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाए, नौकरी से हाथ धोलो। यमराज कहने लगे ठीक है प्रभु जी आज के बाद ध्यान रखेंगे। तो चलते फिरते यमराज बोले प्रभु जी वो आपको थोड़ी बुला रहा था, बोले फिर, बोले वो तो अपने बेटे को याद कर रहा था। भगवान नारायण बोले बोले एक बात का ध्यान दो, करंट जो होता है ना कहीं कट खुला रह जाए, गलती से भी हाथ लग जाए तो करंट तो लगता है, वो करंट ये थोड़ी सोचता कि बेचारे को पता नहीं था हाथ लग गया गलती से तो इसको माफ कर दूं, वो तो अपना काम करता है ना। इसी प्रकार जाने अनजाने से भी खूब ज्यादा सिर दर्द होने लग जाए, ज्यादा बुखार में भी कोई मेरा नाम लेना तो हाथ मत लगा देना गलती से भी।
जाने अनजाने से भी जो मेरा नाम जपे उसको हाथ मत लगाना। यमराज खाली हाथ चले गए। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार वृत्तासुर की वीरवाणी का वर्णन भागवत में आया है। वृत्तासुर कौन है और इसकी वीरवाणी वह कथा में आपसे जानना चाहता प्रभु। तब कहा है कि वृत्तासुर जो है, एक समय की बात है, कथा गौर से समझना। एक समय इंद्र ने विश्व रूप को अपना गुरु बनाया। किसको? विश्व रूप को अपना गुरु बनाया नारायण कवच प्राप्त करने के लिए। नारायण कवच की प्राप्ति करी, अपने गुरु को इंद्र ने मार दिया। कौन इंद्र? देवराज इंद्र। नारायण कवच के लिए गुरु बना लिया, नारायण कवच प्राप्त हो गया तो गुरु को ही मार दिया। अब गुरु को मारने से ब्रह्म हत्या लग गई। अब ब्रह्म हत्या लगी तो ब्रह्म हत्या से कैसे छूटे? तो इंद्र ने ब्रह्म हत्या को चार भागों में बांटा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित चार भागों में पहले किसको दिया? बोले पहला दिया वृक्ष को, जो गोंद के रूप में लगता है ना, ब्रह्म हत्या। खाना नहीं चाहिए पर गुरु जी ताकत के लिए ठंड में खूब खाया। मुझे भी बहुत खिलाए माताओं ने, जहां जहां गया गोंद के लड्डू मिले मेरे को। अब भला करो फिर भी नहीं माने, अब नहीं खाओ तो गलत। पहली ब्रह्मत्या किसको दी? वृक्ष को। दूसरा भाग पृथ्वी को दिया। तीसरा भाग जल को दिया और चौथा भाग नारियों को दिया, जो मासिक धर्म के रूप में आता है। ये ब्रह्म की चार हत्या चार भागों में बटा है। अब चार भागों में बांट करके इंद्र ने पीछा तो जुड़ा लिया, पर विश्व रूप के पिता त्वष्टा मुनि ने नहीं छोड़ा। तो त्वष्टा मुनि ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया और यज्ञ किया तो यज्ञ में थोड़ी सी त्रुटि हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई, तो वृत्तासुर राक्षस पैदा हो गया। अब वृत्तासुर उत्पात मचाने लगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते सभी देवता पहुंचे। बोले आज आपके पति देव का रूप देखोगे ना तो अच्छे अच्छे भाग जाएंगे घर छोड़कर। बोले हुआ क्या मेरे पति को? बोले आज आपके पति देव ना बड़े क्रोधी थे। माता जी बोली मेरे पति को क्रोध कब से आने लगा? वो तो शांताकारम भुजक्षयनम पद्मनाभम सुरेशम, जो सदैव शांति को धारण करे उन्हें क्रोध। बोले माता जी यहां तो चलना ही पड़ेगा। बोले ठीक है चिंता मत करो, मैं अभी चल करके सब ठीक कर दूंगी। कई माताएं बोलती ना, बोले गांव में या वो बाहर कैसा भी उनका व्यवहार हो, भले लोग उनसे डरते हो, पर अगर एक बार बंदी देख लेनी तो सरेंडर हो जाते। मेरे सामने तो ज्यादा बोलते ही नहीं। ठीक है मैं अभी सब ठीक कर दूंगा। 16 श्रृंगार किया, आरती की थाली लेकर माता जी आई और जैसे रूप देखा ना नरसिंह, माता जी थाली छोड़कर भागती बनी। बोले देवताओं आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। देवता बोले क्यों माता जी? अभी अभी तक कह रहे थे कि मेरे सामने सरेंडर, अब क्या हुआ? माता जी बोली मैं भी मूड देख करके ही बात करती हूँ। ना कहीं माता को ना अपने सामने आज तक नहीं बोलते, जब से शादी करी ना मैं बोलती हूँ, बाकी बोलने नहीं देते। आज माता जी जाने लगी तो देवताओं ने पूछा माता जी कहाँ जा रहे हैं? आप तो सरेंडर करने वाले थे। माता जी बोले आज मूड में नहीं, आज मैं भी बात नहीं करूंगी, आप ही संभालो। देवताओं ने सोचा अब करना क्या है? बोले अवतार किसके लिया? बोले भक्त के लिए लिया। आज भक्त प्रहलाद को सामने कर दिया। भक्त प्रहलाद सामने गए, भगवान का क्रोध शांत हुआ, गोद में लिया, अपनी जीभ से चाटने लगे आज भक्त प्रहलाद भगवान। और चाटते हुए आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते प्यारे स्थिति ऐसी बन गई। गोद बिठा कहा बेटा क्षमा करना, आने में थोड़ी देर हो गई, मेरे कारण इतने दुखों को तूने भोगा, इतने कष्ट भोगे लाला, क्षमा करना। आज भक्त प्रहलाद बोले नहीं देर से आए, पर आए तो सही।
मांग बेटा, क्या मांगना चाहता है, जो मांगेगा दूंगा। भक्त प्रहलाद ने एक ही बात कही, आपसे मिलना चाहता था बस। न जीवर के देखा न कुछ बात की, न जीवर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। आपसे मिलना चाहता था। चले आओ मोहन करो अब तो मोहन, कृपा करुणा की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। आज भक्त प्रहलाद ने कहा आपसे मिलना चाहता था। भगवान बोले मैं आ गया पर फिर भी मांग। भक्त प्रहलाद ने क्या नहीं मांग सकता, बोले मांगना होगा मेरी खुशी के लिए मांग। आज भक्त प्रहलाद ने सुना कि मेरी खुशी के लिए मांग। भक्त प्रहलाद ने कह दिया सुनो भगवान, अगर देना चाहते हो ना तो मेरे पिता का जो वध हुआ है ना, इनको नर्क की प्राप्ति ना हो, ये वरदान दे दो। आज भक्त प्रहलाद के कहने पर भगवान बोले सुनो, जो अंत समय में मेरा नाम लेकर मर जाता है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये तो मेरे हाथ से मरा, इसको तो मोक्ष है। और कुछ मांग, और कुछ मांग। भक्त प्रहलाद नहीं कहा नहीं मांगूंगा, फिर भी भगवान ने कहा मैं दिए बिना रहूंगा नहीं। भगवान ने कहा है बोले बेटा एक काम कर, तेरे जैसी तपस्या किसी नहीं की, मैं तुझे वरदान देता हूँ तू एक मनवंतर तक राज्य करना। कितने? एक मनवंतर। एक मनवंतर का मतलब जानते हो? कौन कौन जानते नहीं जानते? एक मनवंतर का मतलब होता है बहुत्तर चतुर्योगी। बहुत्तर चतुर्योगी का मतलब नहीं भाई, बहुत्तर चतुर्योगी का मतलब होता है सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। ये चारों युग पृथ्वी के बहुत्तर बार चक्कर काट रहे हैं, उसको एक मनवंतर कहते हैं। जब तक भक्त प्रहलाद तो राज्य करना। कितना दिया कोई दे सकता है? या पांच साल सरपंच बनने में जा पाता? क्यों रहता जी है कि नहीं? एक मनवंतर तक राज्य करना और राज्य से मन भर जाए, बाद में मेरे पार्षद के रूप में आकर के मेरे द्वार पर खड़े रहना, मेरे सामने में तुझे पल पर दर्शन दूंगा। ये वरदान आज भक्त प्रहलाद को भगवान ने दिया। भक्त प्रहलाद वरदान प्राप्त करने के बाद भगवान ने भक्त प्रहलाद को राज्य दिया। राज्य देने के बाद भक्त प्रहलाद प्रजा का पालन पुत्रवत भाव से करने लगा। इसी प्रकार गज और ग्रहा की कथा आज भगवान सुखदेव ने परीक्षण को सुनाई। त्रिकुट पर्वत की तराई में अगर ये भागवत की कथा सही में करें ना तो ये 12 से 5 में भी पूरी ना हो। मैं सही आपको बता रहा हूं, ये 12 से 3 और 12 से 2 में, 1 से 3 में कैसे पूरी हो जाती है ठाकुर जी जाने भैया। और सही भागवत अगर ईमानदारी से करो तो 3 महीने। पर फिर भी थोड़ा थोड़ा स्पर्श करके तो चलना ही चाहिए। थोड़ा थोड़ा स्पर्श करो पर करना आवश्यक होता है। गज और ग्रह का युद्ध हुआ। आइए केलोस से हमारे भैया पधारे पहलवान, इनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत। गज ग्रह का युद्ध। कहते हैं जब हाथी का पैर ग्रह के द्वारा पकड़ा गया तो पहले तो परिवार वाले जितनी भी हथिनियां थी सब ने उसे बचाना चाहा। और जब ग्रह जो है
नदी में हाथी को खींच करके ले जाता तो फिर कभी खींच के बाहर लाता, कभी ग्राहक करता, कभी हाथी खींचता, कभी ग्राहक खींचता, कभी हाथी खींचता, युद्ध चलता रहा। परिवार वालों ने भी खूब हाथ पकड़ कर ताकत लगाई। ये ग्राह और गज कौन है पता है? ये गज हाथी हम लोग हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, कोई शरीर बीमारी हो जाए ना तो डॉक्टर को हॉस्पिटल में जाकर के बोल देते हैं, बॉम्बे हॉस्पिटल में बोले बराबर पैसे तोल देंगे पर बचा लेगा, बराबर इसको बचा लेगा। अब डॉक्टर के चिंता मत करना, खूब इलाज कर लिया, खूब इलाज कर ले, जब सब हार जाए पैसे की कम पड़ जाए तो रिश्तेदार बोल रहे चिंता मत करना हम बैठे हैं, जितना लगेगा देंगे। रिश्तेदार भी रुपया दे दे करके हार जाए और जब फिर भी डॉक्टर बाद में बोल दे आखिरी में आई एम सॉरी, जब बोले तो फिर घर वाले परिवार वाले सब बैठ जाए और बोले अब तो जो करे सो भगवान करे, है ना, अब तो भगवान के भरोसे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जब सब कुछ हारने के बाद अगर भगवान को सौंपते हो प्यारे तो मैं ये नहीं कहता इलाज मत कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, छोटी बीमारी हो और शुरुआत कर दो इलाज की, बड़ा रोग नहीं बनेगा। इलाज कराना चाहिए पर भगवान के भरोसे शुरू से ही रहना चाहिए, ये भगवान की कृपा। आज गज जो है, हाथी जो है, अब हाथिनिया उसे बचाती है पर हार गई और सब हार गई, सब हाथ छोड़ छोड़ करके जाने लगे। जब कोई साथ नहीं आया और जब पूरा हाथी पानी में डूबने लगा, सूंड सिर्फ छोटी सी बच्ची थी, हाथी ने सोचा अब कौन बचाए, तो किनारे पर कमल का फूल था तोड़ा और आज मेरे गोविंद को भेंट कर दिया, प्रभु तुम ही आकर मुझे संभाल लेना। आज वही गज की रक्षा करने के लिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया है, ग्राहक को उद्धार किया, गज की रक्षा कर, गज की रक्षा हो। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, अंतिम समय में किसी को सौंपो तो भगवान को, भगवान को सौंपना चाहिए। परीक्षित ने पूछा प्रभु आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये ग्राहक कौन था जिसको भगवान ने मारा, जिसको भगवान ने उद्धार किया, ये ग्राहक कौन था पूर्वजन्म में? तब कहा ये हुहू नाम का गंधर्व था। क्या नाम था इसका? हुहू। ये दो गंधर्व थे, एक का नाम था हा हा और दूसरे का नाम था हुहू। क्या नाम था? हा हा हुहू, हा 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 हा। ये हुहू नाम का जो गंधर्व था ये बहुत ज्यादा हा हू करता था, आज भगवान ने आकर उसका उद्धार किया। और ये गज कौन था? बोले जिसे बचाए ये गज इंद्रदुम्न नाम का राजा था पूर्वजन्म में, इसकी रक्षा भगवान ने की। आगे कहते श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित, इसके बाद इंद्र को श्राप लगा दुर्वासा ऋषि का। दुर्वासा ऋषि का श्राप क्यों लगा? देखो कथाओं की भूमिका बताना जरूरी होती है कि ये समुद्र मंथन क्यों हुआ। समुद्र मंथन की कथा सब जानते हैं, होता है ना। कहते एक समय की बात है जब दुर्वासा ऋषि भगवान के वैकुंठ से आ रहे थे, स्वर्ग से आ रहे थे, तो दुर्वासा ऋषि का माला पहना करके भगवान ने स्वागत कर दिया। दुर्वासा ऋषि आ गए, बीच में इंद्र मिल गए। दुर्वासा ऋषि ने सोचा देवराज इंद्र ने अपने गले की माला निकाली और इंद्र के गले में पहनाई, इंद्र के गले में धारण करा दी और दुर्वासा ऋषि जाने लगे। दूर से दुर्वासा ऋषि ने देखा कि इंद्र ने अपने गले की माला निकाली, हाथी के गले में पहना दी। हाथी क्या जाने, हाथी ने सूंड से थोड़ा पैर में रोंदने लगा। दुर्वासा ऋषि ने देख लिया तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, श्राप दे दिया, सुनो इंद्र तुम्हें अपने इंद्र होने का अभिमान है कि मैं देवराज इंद्र हूं, तुमने मेरे अपमान किया है। मैं कहना चाहता हूं ये मालाएं जो होती है ना व्यासपीठ से मिलती है, ये भाग्यशाली लोगों को मिलती है, और ये माला को साधारण माला नहीं होती, ये आशीर्वाद होता है, इसे कहीं फेंकना नहीं चाहिए, इसे संभाल कर रखना चाहिए। इंद्र को श्राप दिया तुम श्रीहीन हो जाओ, श्रीहीन होने का श्राप लगा शुक्राचार्य को पता चला, अपने ही देत्यों से कह दिया इंद्र को श्राप लगा जल्दी से आक्रमण कर दो स्वर्ग पर, स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवता दर दर भागने लगे।
भगवान के पास आए, भगवान से पूछा प्रभु आप रक्षा करो क्या होगा। भगवान ने कहा तुम्हारी श्री जो है समुद्र में चली गई, तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन कैसे कर सकते हैं? बोले देवता और दानव दोनों मिलो, समुद्र मंथन करो, मंद्रांचल पर्वत की मथानी बनाओ, वासु की नाग की डोरी बनाओ और समुद्र मंथन करो। बोले कौन? बोले देवता और दानव दोनों। देवता बोले दानव हमारा साथ देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, पटती आंखें आग नहीं देखते हम लोग, ये हमारा सपोर्ट करेंगे? भगवान बोले एक बात बताए कुछ? बोले क्या? बोले गरज पड़े तो क्या करते हो? सही है ना? बोला आज गरज तुम्हारी, अब तुम कैसे पटाओ, तुम कैसे मनाओ, तुम जानो। सारे देवता पहुंचे देवतियों के पास, जाकर कहा बोले पता है हम है तो आपस में भाई भाई, और भाई भाई जब झगड़ा करे तो तलवारें चलती है, तो तलवार चढ़ी तो कट पेट जाता है, खून निकलता है। भैया एक काम करो, दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर ले, अमृत निकलेगा, दोनों आधा आधा पी लेंगे, फिर खूब लड़ो, कोई तकलीफ नहीं होगी। दानवों ने कहा बात तो सही कह रहा, चलो समुद्र मंथन करें। मंद्रांचल पर्वत को लाकर समुद्र में छोड़ा, वासु की नाग की डोरी बनाई और समुद्र मंथन चालू हुआ। कहते समुद्र जल में डूबने लगा, मंद्रांचल पर्वत डूबने लगा। देवता दानव भगवान के पास पहुंचे, प्रभु ये मंद्रांचल तो जल में डूब रहा है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, भगवान का अवतार हुआ कच्छप अवतार, कच्छप अवतार धारण किया, समुद्र में गोता लगाया, पीठ पर उस मंद्रांचल को धारण किया और समुद्र मंथन कराया। सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि धर्म का काम जब भी करोगे तो पहले बुराई सामने आएगी, तो बुराई से कभी घबराना मत, कभी मत घबराओ। धर्म के काम में लोग टांग जरूर खींचते हैं और ऐसी खींचते हैं कि बिल्कुल दोनों हाथ पकड़ी लुमटी जाए, ठीक है, पर चिंता मत करना। धर्म के काम में कष्ट आता है, तकलीफ तो आती है, पर हर स्थिति में हमारे बैठे माता जी बजरंग नगर से, हम वहां कथा की स्थिति हुई और क्या हुआ, सब बात बिगड़ गई। अब 21 तारीख की कथा वहां है, आप सब लोग वहां सब पधारे, उनकी तरफ से आमंत्रण है, बजरंग नगर अनूप टाकिज के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब हलाल विष कौन पिए? देवताओं ने भी मना कर दिया, दानवों ने भी मना कर दिया, दोनों ने कहा पर इसका करे क्या, अगर इसको जमीन पर गिरा दिया, वमन कर दिया, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। बोले भगवान शंकर के पास चलो। भगवान शंकर के पास गए और वहां जैसे ही वह विष लेकर के गए, भगवान ने कहा देवता दानव दोनों आज मेरे पास क्या बात है, कोई काम होगा? बोले हाँ, ये पियो। क्या? बोले हलाल नाम का विष। भगवान शंकर बोले मैं यूं नहीं पी सकता, धर्मपत्नी जी से पूछ लूं। पार्वती जी से पूछा देवी जी ये जहर पिलाना चाहते, पी जाऊं? अब माता जी विचार करेगी अगर मैं कह दूं कि पी जाऊं तो ये सोचेंगे ये मरवाना चाहती है। माता जी सोचे मन में कि अगर मैं मना कर दूं कि मत पियो तो जमीन पर गिरा दिया तो पृथ्वी जलकर भस्म होगी, करना क्या है? तो माता जी बोली बोले प्रभु वही करो जिसमें सबका भला हो। भगवान समझ गए सबका भला तो पीने में ही है। उस विष को अंजलि लगा करके आज मेरे परमात्मा पीने लगे और जैसे ही पिया है, कहते हैं कि उस विष को पीते पीते अनायास याद आया मेरे हृदय में तो राम रहते हैं, इनको कष्ट होगा। क्या किया? मुंह खोला, रा बोल के रा, मुंह खुला, पिया, मैं बोल के ढक्कन बंद कर दिया, मुंह का कंठ में रख लिया। जब से भगवान शंकर का नाम नीलकंठेश्वर हुआ, बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की जय हो। विष के बाद में अनंत प्रकार की उच्च श्रवा घोड़ा निकला, बलि ने लिया, हाथी निकला ऐरावत नाम का, इंद्र ने लिया, एक एक करके 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में ही भगवान भगवती का रूप धारण करके अमृत कलश लेकर आए। दानवों ने छीना, देवता फिर गागने लगे कि अमृत तो दानव छीन ले गए, तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके और उस अमृत का पान देवताओं को कराया। वो लोग गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। समुद्र मंथन की कथा के बाद बलि के द्वारा पुनः एक यज्ञ किया गया। यज्ञ में देवराज इंद्र को खतरा हुआ,
राज सिंहासन पर बैठना चाहता था। बलि बलि से अपने गुरु ने कहा यज्ञ करो। मैं फिर कहना चाहता हूँ सच्चा गुरु वो है जो अपने चेलों से हमेशा धर्म का काम कराता रहे, हमेशा धर्म से जोड़ करके रखे। शुक्राचार्य जी महाराज बोले बोले एक काम करो बलि, इंद्र के सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करे। बलि ने अश्वमेध यज्ञ पूरा किया, 99 हो चुके थे, एक बाकी बचा था। भगवान ने सोचा अब क्या करूं, देवता दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो माता जी को चिंता हुई, देवताओं की माता का नाम है अदिति। अदिति अपने पति कश्यप जी महाराज के पास पहुंची, प्रभु हमारी संतान दर दर की ठोकर खा रही है, इनकी रक्षा करो। तो कश्यप जी महाराज ने एक व्रत बताया है, यह व्रत सभी माताओं को करना चाहिए। मैं व्यासपीठ से कहना चाहता हूँ, इस व्रत को जो भी माता कर लेती है उसकी औलाद का कितना बड़ा भी दुख क्यों ना हो, वो दुख से वो मुक्त हो जाता है। कौन सा व्रत? बोले देवी अगर संतान को सुखी देखना चाहती हो एक व्रत करो। बोले कौन सा? बोले पयोव्रत। माता जी बोली पयोव्रत? बोले हाँ। कब करना चाहिए? बोले फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, अभी आने वाला है फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी तक मैंने 12 तक इस व्रत को किया जाता है। फलार क्या करना है? 5 किलो रबड़ी रोज है ना। इस व्रत का फलार क्या है समझ लेना। इस व्रत में खिचड़ी नहीं खाना, ज्यादा उल्टा सीधा कुछ नहीं, सिर्फ गौ माता का दूध पी करके और 12 दिन तक निराहार रहकर भगवान का भजन करके ब्रह्मचर्य का पालन करके जो माता कर लेती है, ये व्यासपीठ कहती है, भागवत का प्रमाण है प्यारे, उसकी औलाद के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वही व्रत माता अदिति ने किया, भगवान प्रसन्न हुए, माता अदिति को वरदान दिया, मैं तुम्हारे घर बेटा बनकर आऊंगा और तुम्हारे कष्टों का हरण करूंगा। वही समय पूर्ण हुआ, भगवान का अवतार हुआ वामन के रूप में, वामन भगवान बनकर आए। बोलो वामन भगवान की जय हो। वामन रूप धारण करके आए, बलि के यज्ञ मंडप में पहुंचे। बलि ने कहा क्या चाहिए प्रभु? जो चाहिए मांगो, हीरे चाहिए, जवारा चाहिए, जमीन चाहिए, आप कहो तो किसी भूखंड का राजा बना दो। भगवान बोले नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले जो मांगू दोगे? बोले पक्का दूंगा। बोले मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। बलि कहते हैं बोलो महाराज जी कुछ जानते हो किससे बात कर रहे हो? जितने छोटे से हो उतनी छोटी मांग है तुम्हारी, ये 3 पग पृथ्वी भी तुम बलि से मांग रहे हो जानते हो? अरे और कुछ मांगो। भगवान ने कहा मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए भैया, और वो भी अपने पैर से नापूंगा, तेरे पैर से नहीं, अगर देना हो तो दो। बार बार कहा, बोले हाँ ठीक है देने को तैयार हूँ। बोले संकल्प लो। संकल्प लेने की बात आई, शुक्राचार्य जी समझ गए ये बोना छोटा सा टिटकू राम कड़ा है ना चुटकू, ये चुटकू राम बड़ी बड़ी बात कर रहा है या फिर है कौन? आज तक तो नजर नहीं आया, ध्यान लगाकर देखा तो भगवान श्री हरि नजर आए। कह दिया बलि तू जानता है कौन है तेरे सामने? तुझे छलने के लिए श्री हरि विष्णु चली आया है। बलि दोनों हाथ से नाचने लगा, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जो दुनिया को देता है आज वो मेरे द्वार पर मांगने आया है, आज तो अपने आप को देने को तैयार हूं। शुक्राचार्य जी ने कहा था सुन अगर तू देगा तो तू श्रीहीन हो जाएगा। बोले अब जो भी हो वो मैं भगवान को देने को तैयार हूं। आज वही बलि संकल्प लेने लगा है तो शुक्राचार्य ने सोचा हे मेरा शिष्य रक्षा तो करना पड़ेगी। तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया बताए? एक मक्खी बनकर के जो जल की टोटी थी ना वो टोटी में जाकर छुप गए। भगवान ने विचार किया गुरु को तो नहीं हटा सकता पर मक्खी तो हटा सकता हूं। कुशा का आसन लिया, उसमें से एक तिनका निकाला और टोटी में जैसे ही लगाया एक आंख शुक्राचार्य जी की राधे राधे हो गई। जलाया, संकल्प लिया, 3 पग पृथ्वी मांगी। इस कथा से शिक्षा लो, दान करने वालों के बीच में कभी मत आओ, जिससे बने जो करो, नहीं बने तो जय श्री राम करो। ठीक है,
बलि ने दीघ पग पृथ्वी मांगी, संकल्प लिया, बलि ने दिया है आज भगवान को और अपना विराट स्वरूप दर्शन कराया। सुनो, केलो कहते हैं कि भक्ति का फल बाद में मिलता है, बलि को तुरंत मिला है। क्या मिला? जो दुनिया नहीं देख पाई, आज वही विराट स्वरूप का दर्शन बलि को भगवान ने करा दिया। सामने बलि ने, भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया, विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। और विराट स्वरूप से अपने पैर से जब पृथ्वी नापने लगे तो पहले पैर में पृथ्वी, दूसरे में आकाश, तीसरा बलि कहां नापू? बलि ने अपने खुद को सामने रख दिया, मुझे नापो। सिर पर पैर रखा, पाताल में छोड़ा। भगवान आने लगे, बलि ने दुपट्टा पकड़ दिया, कहां जा रहे हो? भगवान बोले, मतलब कहां जा रहा हूं? अपने धाम जा रहा हूं। बोले, तुमको पता है वहां स्वर्ग में कितने नौकर चाकर द्वारपाल पहरेदार थे? यहां पहरेदारी कौन करेगा? भगवान बोले, मतलब कहना क्या चाहता है भैया बलि? बोले, ठीक ठाक से चौकीदार बन के खड़े हो जाओ, हाथ में डंडा लेकर। आज भक्त के वश में होकर भगवान बलि के यहां पहरेदारी कर रहे हैं। बोलो, चौकीदार भगवान की। कुछ समय बीता, भगवान नहीं नजर आए। माता जी लक्ष्मी जी घबराई, नारद जी से पूछा। नारद जी ने कहा, वो तो पाताल लोक में द्वारपाल बन के खड़े हुए। माता जी पूरी वेश छदंब वृक्ष बना करके रोते रोते बलि ने देखा, बहन जी तुम कौन हो? बोले, मैं बहुत दुखियारी हूं। बोले, क्या चाहिए, कुछ मांग लो। लक्ष्मी जी बोली, बोले कुछ नहीं मांगना, काम धंधा बिल्कुल नहीं है, कोई नौकरी मिलेगी? बलि बोला, तुम्हें नौकरी की तलाश है? मेरे यहां नौकरी करने वाला कोई नहीं है, नौकरी देने को तैयार हूं, काम धंधा मिल गया। माताजी अब क्या करें? भगवान द्वारपाल बन के खड़े, माताजी घर में भोजन बना रही, झाड़ू पोछे कर रही है कि नहीं? भगवान भक्त के वश में। कहते समय आया, एक समय ऐसा आया, रक्षाबंधन का दिन था, श्रावण की पूर्णिमा। उदास होकर बेटी रोने लगी माता लक्ष्मी। बलि ने पूछा, रोने का कारण? बोले, भैया कोई बात नहीं, ऐसी ही बात है। बोले, तनखा करने क्या और बढ़ाऊं? माता जी बोली, बोले तनखा वनखा वाला काम नहीं है। बोले, फिर क्यों रो रही हो बताओ? बोले, भैया पता है आज कौन सा दिन है? बोले, कौन सा दिन है? वो आज रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन के दिन अगर भाई पास में ना हो तो बहन पर क्या बीतती, पता है तुमको कुछ? बलि बोला, भाई चाहिए? बोले, हाँ। अपनी कलाई सामने कर दी, तेरे पास भाई नहीं है, मेरे पास बहन नहीं है, जल्दी से बांध। आज माता भगवती लक्ष्मी ने बलि के हाथ पर राखी बांधी। बलि ने कहा, बहन जी आज से काम धंधा बंद। लक्ष्मी जी बोली, अच्छी राखी बंद भाई, नौकरी गई। क्यों भैया, ऐसा क्या हुआ, काम धंधा बंद मतलब? बोले, तू जानती, तू राजा बलि की बहन है, इतना धन दूंगा, इतना दूंगा, जीवन में कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माता जी बोली, बोले पक्का दोगे? बोले पक्का। बोले, बहन मांग ले, क्या मांगना चाहती है? आज बलि से भगवान माँ भगवती ने कहा, भैया ना घर चाहिए ना जमीन चाहिए, मुझे तो तेरा चौकीदार जो है ना, ये डंडा लेकर खड़ा हुआ है द्वारपाल, तेरा द्वारपाल मुझे लौटा दे। बलि समझ गया, ये कोई साधारण मांगने वाली नहीं है भैया। आ देवी जी, तुम हो कौन, अपना परिचय दो। तब माता भगवती ने कहा, मैं लक्ष्मी हूं और द्वार पर जो खड़ा वो नारायण है। आज वही नारायण बलि ने अपनी बहन को दे दिया। बोले, जब से ही राखी का त्योहार चला है और जब जब राखी बंधती है ना, वही मंत्र बोला जा रहा, ये न राजा बद्धो बलि दान वेद्रु मा बला। रक्षा सूत्र जब बंधे, आज वही राखी बांधने का समय आया। बलि ने अपनी बहन से राखी बंधवाई। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद और भी कथाएं तो बहुत हैं, जितना बोलो उतना कम है। चंद्रवंश का वर्णन, सूर्यवंश का वर्णन, भागवत में क्या नहीं है? पहले सूर्यवंश का वर्णन किया है। सूर्यवंश में खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, उनके हुए अज, अज के महाराज दशरथ, और दशरथ के घर भगवान प्रभु श्री राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण आदि चारों देवता प्रकट हुए। ये राम कथा भागवत में क्यों है पता है? क्योंकि अब कृष्ण जन्म की कथा आने वाली है 15 मिनट में।
क्योंकि घड़ी इशारा मुझे कर रही है ना, समय हो चुका है। घड़ी तो नहीं देखी मैंने, पर चेहरों पे बराबर बजी पड़ी है, बिल्कुल 4 बजने। गुरुजी बहुत हो गई, ठीक है भैया थोड़ी सी देर और जो। कई लोगों ने तो हंसना ही बंद कर दिया। कहां फंस गए यार, अच्छे सोफे पे भला भला बैठे थे, यहां लेकर आई मम्मी जी है ना। क्या ठीक है, चलिए 15 मिनट और। राम कथा का संक्षिप्त वर्णन राजा परीक्षित को सुनाया। राम कथा से शिक्षा लेना चाहिए, भाई के प्रति भाई का व्यवहार क्या हो, सास बहू का व्यवहार क्या होना चाहिए, पति पत्नी का व्यवहार क्या होना चाहिए, ये शिक्षा राम कथा से ले। राम कथा की शिक्षा प्राप्त करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने चंद्रवंश का वर्णन सुनाया है। चंद्रवंश में बड़े बड़े महान तपस्वी राजा हुए। कहते चंद्रवंश में बड़े बड़े तपस्वी राजा हुए। एक समय की बात है, प्राचीन काल में यदुवंशियों के राजा हुए सूरसेन, और सूरसेन महाराज के पुत्र हुए वसुदेव। वसुदेव जी का विवाह मथुरा के राजा उग्रसेन की कन्या जिनका नाम हुआ देवकी से तय हुआ। वसुदेव जी बारात लेकर के आने लगे, मथुरा में बारात आई, बड़े धूमधाम से स्वागत किया। कंस ने देवकी का खूब दहेज दिया, खूब उसकी सेवा करी, यहां तक कह दिया कि मेरी बहन की बारात जाएगी ना, मैं नगर से बाहर छोड़ने जाऊंगा सारथी बन करके। और वही हुआ, जब कंस गया है आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस क्या कर रहा है, जिस बहन से इतना प्रेम करता है इसकी 8वीं संतान तेरा काल हो गया। आज वही समय आया, आकाशवाणी हुई, कंस घबराया, कंस उतरा रथ से, अपनी बहन के केश पकड़े रथ से घसीट कर लाने लगा। कंस कहने लगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी, बहन को ही समाप्त कर दूंगा, 8वीं संतान कहां से आई। वसुदेव जी ने सोचा युद्ध करने से फायदा नहीं है, बोले फिर जैसे तैसे समझाना चाहिए, ध्यान देना, कभी मूर्ख व्यक्ति के बीच में फंस जाओ ना तो उसकी बड़ाई करके निकल लेना चाहिए, लड़ने से फायदा नहीं है। महाराज आप जानते हो इतने बड़े वीर योद्धा हो, बहन के ऊपर हाथ उठा रहे हो, पता है ये तुम्हें शोभा नहीं देता, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि ये देवकी से एक एक करके जितनी संतानें होंगी सब तुम्हें ला करके दूंगा। कंस समझ गया वसुदेव झूठ नहीं बोल सकते, दोनों को ले गए मथुरा। कहते पहली संतान का जन्म हुआ, कंस के पास लेकर पहुंचे। कंस ने देखा पहली संतान है, ये क्या मारेगा, उसको वापस भेज दिया। नारद जी पहुंच गए, नारायण 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 करते हुए। कंस ने कहा प्रभु जी अब क्या हुआ, बोले तुझे पता है तू किसको छोड़ रहा, बोले तो पहली संतान है। एक अष्टदल कमल उठाया और कमल उठाकर कंस के हाथ में दे दिया। कंस बोला क्या करना, बोले गिनती करो। कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले प्रभु 8, बोले किधर से गिना, बोले इधर से गिना। नारद जी बोला इधर से गिनो। कंस समझ गया कौन सी पहली कौन सी 8वीं हो जाए कोई पता नहीं। कंस ने वसुदेव जी के हाथ से छीनी पहली संतान, समाप्त कर दी, एक एक करके 6 संतानों को मारा। तब वसुदेव देवकी का कष्ट इतना बढ़ गया, रोने लगे, बिलाप करने लगे। तब भगवान ने अपनी योग माया से कहा, योग माया सुनो, 7वीं संतान के रूप में मैं देवकी के गर्भ में जा रहा हूं, तुम देवकी के गर्भ से निकाल करके मुझे वसुदेव की दूसरी पत्नी है जिनका नाम है रोहिणी, उनके गर्भ में स्थापित कर देना, और 8ष्टम संतान के रूप में मैं चला जाऊंगा। योग माया बोली मैं क्या करूंगी, बोले तुम नंद बाबा की धर्म पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना, तुम अवतार लोगी तो तुम्हें कलयुग में अष्टभुजी के रूप से पूजे जाएंगे, 9 दुर्गा के नाम से पूजी जाओगी, मेरा वचन है।
वही सातवीं संतान के रूप में भगवान आए और आठवीं संतान के रूप में भगवान आ गए। योग माया ने सातवीं संतान को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, आठवीं संतान के रूप में भगवान आए। तो भगवान ने कंस की कैद में देवकी वसुदेव को अपना चतुर्भुज रूप धारण करके दर्शन कराया। तुम चिंता मत करना, ये कंस मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। जब भगवान को दर्शन करा, भगवान ने दर्शन वसुदेव देव जी कराया, तो स्वर्ग से देवता भी पुष्प माला लेकर आ गए और खूब पुष्प वर्षा करके और भगवान का स्वागत किया। सत्यम परम धीमहि। कौन सत्य? भगवान सत्य। भगवान का दर्शन किया और भगवान की स्तुति देवताओं ने करी है। आइए हम सब भी देवताओं की स्तुति करना चाहते हैं भगवान की। कि स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम 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 कृष्ण अष्टम संतान के रूप में भगवान पधारे। भाद्रपद का महीना, अष्टमी तिथि, रात्रि 12 बजे भगवान के अवतार का समय आया। कहते अहीरों की बस्तियां जगमगाने लगी,
काले काले भौरे प्रभु श्याम सुंदर के गुणगान करने लगे और सभी हर कोई ब्रज की गोपियां ब्रजवासी जो थे सब भगवान का दर्शन करने के लिए ललाए थे, लाला अब तो आ जाओ, लाला अब तो आ जाओ, भगवान का ही दर्शन कर रहे थे। बोलो कष्ट कन्हैया लाल जय। लाइन बनाकर खड़े हो जा, धक्का मुक्की बिल्कुल ना करे, भगवान आने वाले हैं। उचित समय आया अर्ध रात्रि में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता। बोलो नंद के लाला की कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा ऐसा नहीं हुई नीचे भी चला जाए सबको हुई ना। अब जिसको नृत्य करना आता है वो भगवान के जन्मोत्सव में जो नाचता है उसको दुनिया के साथ
सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये स्पीकर भैया एक तरफ कर दो प्लीज। जो भगवान के सामने नाचता उसे दुनिया के सामने नाचने की जरूरत नहीं है, और या तो नाचना ही मत, है ना। तो जिनको नृत्य करना आता वो कंजूसी बिल्कुल मत करना। हमारे बीच से पहलवान केलो से पधारे, इनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। तो नृत्य जिसको आता वो बिल्कुल कंजूसी मत करना, जय श्री राधे। और जो कंस की तरफ से आए वो बिल्कुल एक तरफ खड़े हो जाना, है ना, वो नाचना ही मत। आइए चलते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, लाला जनम। ये बधाई है, इस बधाई में जो नाचता है, जो बधाई देता है, बधाई बांटता है, उसके घर में सदैव बधाइयां बसती रहती है। ये ठीक करो भैया साउंड थोड़ा पीछे बढ़ाओ। कि लाला जनम सुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जनम सुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई, ये तो बधाई।
जितने भी लोग यहाँ पधारे सबको श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई।
जिस प्रकार नंद उत्सव हुआ उसी प्रकार भगवान आपके घर में भी खूब आनंद उत्सव मने। जो बाहर सुन रहे हैं उन लोगों को भी बधाई और विशेष सूचना, आज की कथा यहाँ पर विराम लेती है। भैया बंद कर दो, कल की कथा ठीक 12 बजे होगी और कल की जो कथा है उसमें भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन होगा। बाजकृष्ण जन में तो लेट होता ही है और 1 बजे कथा चालू होती है ना, तो 1 से 4 कोई बड़ी बात नहीं है। तो कल की जो कथा है भगवान की बाल उत्सव और भी उसके अंदर होगा। कल भगवान को 56 भोग लगेगा गोवर्धन पूजन। तो अपने अपने घर से माताएं जिसको जो अच्छा बनाना आता हो, जिसकी फेवरेट डिश होती है ना कोई, सब बनाकर लेकर आवे, है ना। किसी को गुलाब जामुन, किसी को रसगुल्ले, किसी को गुजिया, किसी को हलवा, किसी को बेसन चक्की, किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या, और ज्यादा कुछ नहीं आवे तो बेसन बनाकर ले आना, पर लाना जरूर है। कल 56 भोग लगेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आरती के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कल का जो 56 भोग लगेगा वो बबलू सोलंकी जी की ओर से रहेगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। जो भगवान को 56 भोग लगा था उसके घर में सदैव आनंद की वर्षा होती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए आरती में चलते हैं। अच्छा एक बात और, अभी मुझे कोई बोल रहे थे, थोड़ा इको कम करो भैया। गुरुजी ऊपर व्यासपीठ पे आकर आप दक्षिणा पैसे जो चढ़ाना चढ़ाएं, तो आप सामने ही चढ़ा दो, नहीं चढ़ाओ तो कोई बात नहीं, जय श्याराम, है ना। इतनी संख्या में अगर यहाँ आएंगे तो, और जिसको आना वो आरती के बाद एक एक करके आ जाए ताकि व्यासपीठ की भी गरिमा रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि हर कोई व्यासपीठ के पास आकर आशीर्वाद देना चाहता है तो उसको छूट है, पर आरती के बाद एक एक करके। बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़े। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़े। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़े। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़े। हरी हरी बोल।
सुनावे ब्रह्मा दिखते हो यश गावे ब्रह्मा दिखते हो यश गावे ब्रह्मा दिखते हो यश गावे नारद नारद शीश गिर में श्याम बिठा लो जीवन का धार यही क्या धार राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे क्या 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 गौ माता की सेवा करो रे सेवा करो तो या मेवा मिले कब मिलेगा जब भगवान का भजन होगा जब भगवान का भजन जीवन में आएगा तो भगवान अपने जीवन के भजन को कम कर देगा भजन भजन कम करता है क्या करता है उल्टा होता है भजन भजन को कम करता है और भजन जो रहता है तो भजन कम कर देता है उल्टा होता है अगर दिमाग में कोई टेंशन है कोई भजन है ना तो भजन नहीं हो सकता फिर भगवान के पास में बैठो तो ध्यान नहीं रहता कि मैं कहां बैठा हूं क्योंकि भजन जो दुनिया के भजन से मुक्त होना चाहते हो तो भजन में लग जाओ और भजन आ गया तो वजन कम होगा और वजन कम होगा तो गोविंद आकर के हाथ पकड़ लेगा प्यारे चल मेरे साथ वही कृपा होगी आज वही कयादू के घर में पुत्र बनकर भक्त प्रहलाद आया भक्त प्रहलाद की कथा जितनी कहे कम है ऐसी भक्ति करी ऐसी भक्ति करी यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भक्त प्रहलाद जो है ना भगवान की भक्ति है और भक्ति कब सफल होती है जब भक्ति में विश्वास आ जाए बिना विश्वास के भगवान का वजन नहीं कर सकते विश्वास होना आवश्यक है प्यारे यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित वही भक्त प्रहलाद को एक बार पिता ने गोद में बिठाया बता बेटा ये संसार का देवता कौन है प्रहलाद बोला पिताजी ये संसार का भगवान तो मेरा परमात्मा है खूब समझाया नहीं बेटा ये यहाँ का राजा मैं तेरा पिता हूँ भक्त प्रहलाद ने नवदा भक्ति का उपदेश अपने पिता को किया नवदा भक्ति का उपदेश किया गोद से उठाकर फेंका संडामर्ग दैत्य गुरु के पास भेजा शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहते वहां पर भी कुछ नहीं मिला भक्त प्रहलाद को कहा था ये नाम भूल जाना चाहिए तो भक्त प्रहलाद जहां गए वहां लोग वहां के शिष्य जो थे ना अपने गुरुकुल के उनको भी भगवान के भजन में लगा दिया दैत्य गुरुओं ने आकर के देखा ये तो भगवान का भजन करता है हिरण्यकश्यप मिलने गया तो हिरण्यकश्यप ने बुलाया अपने बेटे को आओ बेटा बेटे की गोद बिठाया बता बेटा ये क्या सीखा तूने आश्रम में भक्त प्रहलाद बोला पिताजी मैंने इस आश्रम में 9 बातें सीखी भक्त प्रहलाद की बात सुनी 9 बातें हिरण्यकश्यप बोला जरूर कोई राजनीति की 9 बातें सीखी होगी एक तो बताओ बेटा भक्त प्रहलाद ने अपने पिताजी से कहा सुनो पिताजी भगवान को प्राप्त करने के 9 मार्ग कहे गए हैं 9 में से कोई सा भी पकड़ लो बहु सागर से तर जाओगे एक भी पकड़ लो गोद से उठाकर नीचे उतार दिया जाओ गुरुजी को भेजना भक्त प्रहलाद गया गुरुजी से कहा तुम्हें पिताजी बुला रहे अब पिताजी का नाम सुना गुरु थर थर कांपने लगे आकर कहा महाराज की जय हो आप पधारे अट्टहास करके आज हिरण्यकश्यप बोला है मैं आया वाया वो तो सब ठीक है पर क्या सिखा रहा है मेरे बेटे को ये तो बड़ी बड़ी बातें करने का नवदा भक्ति का उपदेश कर रहा है आज दोनों देते गुरु खड़े हो गए कहा प्रभु आपके बेटे को ना मैंने सिखाया ना आपने सिखाया वो तो पहले से ही सीखा सिखाया आया पहले से सब सीखा सिखाया है भक्त प्रहलाद जान गया उसे विषपान कराया गया भक्त प्रहलाद को हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया फूल पहाड़ से गिराया गया पर जहां पर भी गिराया वहां से भगवान ने संभाला एक खंभा गरम करके उसे पकड़ाया गया बेटा तुझे इसमें भगवान मिलता नजर आता बोले हाँ हिरण्यकश्यप ने उस खंभ पे जैसे मुष्टिका प्रहार किया उस खंभ को चीरकर भगवान का अवतार नरसिंह हो गया बोलो नरसिंह भगवान की जय हो
नरसिंह अवतार धारण करके भक्त प्रहलाद की रक्षा करी, हिरण्यकश्यप का वध किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सांवरिया ए सीता ने सुना, 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 प्रकार
नरसिंह अवतार धारण करके भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। भक्त प्रहलाद भगवान को देख करके एकाग्रचित दर्शन करने लगे। कहते भगवान ने हुए हिरण्यकश्यप को लिया गोद में, बीस तेलीज में बैठ करके और अपने तीखे नुकीले नाखूनों से सीना विदीर्ण कर दिया। आज भक्त की कृपा करने के लिए भगवान ने आज हिरण्यकश्यप को मार दिया। अंतड़ियों की माला पहन ली, अंतड़ियों की माला पहन करके हिरण्यकश्यप को आज उद्धार कर दिया। अब सब बैठ जाइए प्लीज। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भक्त प्रहलाद के सामने पिताजी का वध हुआ। वध करने के बाद भगवान ने अपना जो नरसिंह रूप धारण किया था, जो क्रोधावतार है, आधे सिंह आधे नर, किसके लिए? अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। अब सारे देवताओं ने आकर देखा, अब क्रोध शांत कराना पड़ेगा, अवतार भक्त के लिए हुआ तो देवताओं ने आकर के देखा तो सब देवता घबरा कर भाग गए। देवता बोले कि क्रोध को शांत कैसे करें? देवताओं ने सोचा ये क्रोध तो माता लक्ष्मी ही शांत करा सकती है। तो सभी देवता माता जी के पास पहुंचे। आज माता जी बोली, बोले देवताओं सबका आना कैसे हुआ अचानक, बताओ।
विष्णु मंगल।